टॉपिक था जी स्टेम एंड डायग्राम। ये बेसिकली एक स्टेटिस्टिक्स का छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ हुआ है आपके कोर्स में, ठीक है जी। स्टेम एंड लीफ डायग्राम, तो लेट्स फर्स्ट डू दिस टुडे। स्टेम एंड लीफ डायग्राम मैं करा के फिर आपके साथ आगे उस पर ईयरली पे आ जाऊंगा जी। ये 2021 के लिए ऐड हुआ है, तो फिर कल इसी तरह एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, साथ साथ हम ईयरलीज भी चलाते जाएंगे, ठीक है। तो स्टेम एंड लीफ डायग्राम ये बेसिकली देखिए एक इट इज अ स्मॉल टॉपिक फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो आपका जो स्टैटिस्टिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है ये, इसे हम स्टेम एंड लीफ डायग्राम कहते हैं। देखिए ये स्टेम एंड लीफ डायग्राम बेसिकली क्या चीज है, मैं इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ सैंपल एफएक्यू नंबर वन कराता हूँ, क्योंकि देखिए ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है तो आपको इसके पास पेपर्स में सवालात हार्डली कहीं कोई मिलेगा, तो इसीलिए मैंने इसके कुछ सैंपल क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं इधर उधर से किताबों से और वो खुद से बना के। तो अब सैंपल एफएक्यू नंबर वन, इसमें वो कहता है, फर्ज कीजिए वो कहता है कि जी द नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड इन, अच्छा हम लोग, बल्कि ना मैं एक मिनट, ये सवाल मैंने इधर लिख के रखे हुए, तो आई जस्ट डू इट फ्रॉम हेयर, इधर ही से करते हैं ताकि लिखने में टाइम जाया ना। तो ये प्रैक्टिस है जी स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स की, ठीक है जी। अब देखिए जरा इसमें उसने हमें क्वेश्चन में कहा है, कहता है कि द नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड इन अ कार पार्क एट 9 AM इज रिकॉर्डेड फॉर 10 days। तो कहता है कि जी जो नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड हैं इन अ कार पार्क, दे आर रिकॉर्डेड एट 9 AM फॉर 10 days। 10 दिनों का डाटा एक कार पार्क में जितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं वो लिखा हुआ है। जैसे ये देख रहे हैं आप कि फर्स्ट डे पे, सी फर्स्ट डे पे उस कार पार्क में कितनी गाड़ियां खड़ी थी, ये 124 कार्स हैं, ठीक है। दूसरे दिन उसी कार पार्क में कितनी गाड़ियां खड़ी थी, देवर 130, ठीक है। तीसरे दिन उसी कार पार्क में देर वर 129 कार्स स्टैंडिंग, ठीक है। इसी तरह से चौथे दिन देर वर 116 कार्स स्टैंडिंग, देन नेक्स्ट डे देर वर 132 कार्स स्टैंडिंग, फिर अगले दिन 120 कार्स, फिर 127 कार्स, 107 कार्स, 118 एंड 114। अब बगैर काउंट किए बताओ ये टोटल कितनी वैल्यूज होंगी, हाउ मेनी टोटल वैल्यूज विल दे बी। सी 10 डेज के लिए हमने रिकॉर्ड बनाया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिनों का चूंकि ये डाटा है तो 10 गाड़ियां ऐसे 10 दिन का रिकॉर्ड हमारे पास यूं आ गया हुआ। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जी, जो ये स्टेम एंड लीफ डायग्राम हम देखने लगे हैं। तो देखो कहता है द नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड इन अ कार पार्क एट 9 AM इज रिकॉर्डेड फॉर 10 days, ठीक है जी। और ये हमारे पास डाटा है कि फर्स्ट डे पे उस कार पार्क में 124 कार्स थी, देन 130 कार्स थी, देन 129 कार्स थी, तो इस तरह ये आपने यूं लिया हुआ। अब वो कहता है कि कंप्लीट द स्टेम एंड लीफ डायग्राम। देखिए बच्चों स्टेम एंड लीफ डायग्राम पता है किस चीज को कहते हैं, जरा एक सेकेंड इधर सुनना, मैं आपको इसे एक
इस पेज पे मैं करके दिखाता हूँ ताकि ये थोड़ा सा आपके लिए सॉल्व आउट करना इसमें आसान। देखिए स्टेम एंड लीफ डायग्राम का मतलब पता है क्या होता है कि आपने ऐसी एक फॉर्मेशन बनानी है यूं करके हमेशा। व्हेनेवर ही आस्क्स यू टू मेक अ स्टेम एंड लीफ डायग्राम तो आपने ऐसे और ऐसे दो लाइनें बनानी है। यहाँ पे आप इधर हेडिंग डाला करोगे स्टेम की और इधर आप हेडिंग डाला करोगे लीफ की, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ इसे स्टेम एंड लीफ क्यों कहते हैं। अब जब आप इसका स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाओगे तो आपने इस डाटा को इस स्टेम और लीफ के ऊपर शो करना। बहुत आसान टॉपिक है यार, ये बच्चों वाला काम है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं एक दफा आपको ये सवाल दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो ये हमारा IGCSE में एक छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ था स्टेम एंड लीफ डायग्राम का, ठीक है। क्वेश्चन मैंने इसके सैंपल जरा खुद इकट्ठे किए हैं इधर उधर से, ये क्योंकि पास पेपर्स में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन सवालों की टाइप यही होती है। तो कहता है कि द नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड इन अ कार पार्क एट 9 AM इज रिकॉर्डेड फॉर 10 डेज। तो ये आपके पास एक कार पार्क में जितनी गाड़ियां खड़ी थी 10 दिनों का रिकॉर्ड हमने बना लिया कि फर्स्ट डे पे देर वर 124 कार्स, इधर गौर से सुनिएगा। दूसरे दिन पे उसी कार पार्किंग में 130 कार्स खड़ी थी। देन थर्ड डे पे 129 कार्स, फोर्थ डे पे 116 कार्स, फिफ्थ डे पे उस कार पार्क में 132 कार्स, सिक्स्थ डे पे 120 कार्स, सेवेंथ डे पे 127 कार्स खड़ी हैं उस कार पार्क में, और एट्थ डे पे 107 कार्स, नाइन्थ डे पे 118 कार्स और टेंथ डे पे 114 कार्स उस कार पार्क में खड़ी हैं, ठीक है। अच्छा अब वो कहता है कि आप इसका कंप्लीट कीजिए द स्टेम एंड लीफ डायग्राम। तो स्टेम एंड लीफ डायग्राम में आपने सिंपली ऐसी एक लाइन और ऐसी एक लाइन लगानी है। और अब जरा प्रोसीजर सुनना है, बहुत आसान है। देखिए मुझे एक बात बताएं बच्चों। अच्छा अब आपने ना हमेशा जब भी एक चीज याद रखनी है कि स्टेम एंड लीफ डायग्राम आप जब भी बनाओ तो हमेशा हम स्टेम एंड लीफ डायग्राम में एक की नामी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाते होते हैं। तो मैं चलो इसको यहाँ टॉप पे बना देता हूँ। ये की बनाना स्टेम एंड लीफ डायग्राम का वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स है, क्योंकि यही आपको क्विक ग्लांस में सारा बताएगा कि जी ये स्टेम एंड लीफ का क्या मीनिंग चल रहा है। देखिए आप मुझे जरा एक बात बताइए कि यहां पर इस केस में तो देखो इसने की दी हुई है, तो इस की में इसने लिखा हुआ है, देखिए इसने लिखा हुआ है कि 12 वर्टिकल 3, ऐसे 12/3। कहता है दिस मीन्स 12/3 मीन्स 123 कार्स, यानी ये जो 12 वर्टिकल 3 है, कहता है इसका मतलब है कि ये 123 कार्स हैं। अच्छा ये की इस क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। कई जगहों पे वो की आपसे पूछता है, कई जगहों पे वो खुद दे दिया करेगा, तो जो भी है आपको अभी सारी सिचुएशन समझ आ जाएगी। नाउ वॉच, तो आपको ये समझ आया कि इस 12/3 का मींस 123 इसको रीड कर। अब स्टेम एंड लीफ डायग्राम में आपने स्टेम के अंदर जरा मुझे बताओ, देखो ये सारे 3-डिजिट नंबर्स है ना, जरा गौर से देखिएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे बताइए कि इनमें सबसे आपने स्टेप वन में देखना है सबसे लोएस्ट अमाउंट कौन, हु इज द लोएस्ट अमाउंट। आप देख रहे हो इसमें सबसे लोएस्ट अमाउंट आ रही है आपके पास 107, तो आपने सबसे लोएस्ट देखना है। देखो इससे नीचे कोई और तो नहीं है, तो अंदाजन देखो पहले 107 सबसे लोएस्ट है, उससे नीचे कोई और फिगर तो नहीं है। नहीं, तो मुझे एक बात बताइए, ये 107 भी एक 3-डिजिट नंबर है ना, इसका मैं ये लास्ट डिजिट अगर निकाल लूं तो ये क्या बचता है 10। तो आपने स्टेम को यहां से स्टार्ट लेना है 10 से, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट, एक मिनट रुकना रुकना, ये बहुत आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा रूटीन से हट गया, तो जरा देखिए 107 सबसे इस डाटा की लोएस्ट अमाउंट है, ठीक है।
और 107 अगर डाटा की सबसे लोएस्ट अमाउंट है तो सबसे हाईएस्ट कौन है, जरा गौर से देख के बताइए। सबसे हाईएस्ट 124, 130 अब तक लग रही है, बट इससे आगे 132 भी है, और तो इसका मतलब है 132 सिर्फ हमारे पास ही है। ठीक है जी, जी मैं एक मिनट कर देता हूँ इसको, रुकिएगा जरा। ये 132 सबसे हाईएस्ट है, तो इसका मतलब है आपने लोएस्ट और हाईएस्ट देखना। अब अगर 12 वर्टिकल 3 मींस 123 कार्स, तो सबसे लोएस्ट अमाउंट का आपने ये फर्स्ट दो डिजिट्स यहाँ 10 से लेके अब इधर हाईएस्ट 13 तक आपने यूं जाना है कि यहाँ से 10, 11, 12 और 13। तो सबसे लोएस्ट डिजिट 10 था यानी 107, सबसे हाईएस्ट डिजिट 132 है, तो 10 से लेके कंसेक्यूटिव फिगर्स यहाँ आपने फिल इन कर देने हैं फॉर दिस स्टेम। अब इस ये यानी ये मेन स्टेम है और उसकी लीव्स क्या बनेंगी जरा ये देखते जाओ। क्योंकि देखिए उसने कहा था ना 12/3 मींस 123 कार्स, ये की दे रहा है वो, इसका ये मतलब है। सुनना मुझे ये बताइए कि सबसे पहले अगर हम देखें तो 10 यानी 107 लिखा हुआ ना, ये तो ये 10 आ गया और ये स्लैश लंबा इधर आ गया, तो यहाँ आप सिर्फ 107 का डाटा इकट्ठा करने के लिए इधर सिर्फ लिखोगे 7। तो इसे रीड कैसे करेंगे, देखो इसे पढ़ेंगे 107, बट ये 10/7 क्योंकि 12/3 का मतलब अगर 123 था तो 10/7 का मतलब 107 नहीं होगा, क्या ख्याल समझ रहे हो? तो मैंने 107 को यहां इस डाटा यानी इसे कहते हैं स्टेम एंड लीफ बनाना। देखो और चेक करो कि 100 and something और तो कुछ नहीं है, नहीं है, तो ये इधर तक आ जाएगा सर। अब मुझे बताओ जरा कि 11 वाले फिगर्स कौन कौन से हैं। सी 11 वाला फिगर एक ये है, ठीक है, अच्छा जो होता जाए उसको ऐसे कट करते कि जी ये हो गया, इसको अब हम दोबारा नहीं देखेंगे। अब 11 में देखिए ये एक ये आ रहा है, 116 आ रहा है, फिर जरा गौर करो कि आपके पास ये आ रहा है एक 118 वाला और एक आ रहा है आपके पास ये 114 वाला, ये तीन फिगर्स है ना। तो मुझे एक बात बताइए कि ये 116, 118 और 114 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? अच्छा आपने ना असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है, सबसे स्मॉलेस्ट ये 114 है, तो 11/4 114 को हम यूं लिखेंगे 11/4, समझ? और थोड़ा सा फासला है 116, तो फिर 11 उसका ये आया है और ये 6 उसका यहाँ लिख देंगे, तो ये पूरा 116 ही कहलाएगा। आर यू गेटिंग मी? तरीका समझ रहे हो? बहुत पप्पू टॉपिक है यार, आसान सा। 114 हो गया, 116 हो गया और फिर एक 118, तो 118 का सिर्फ 8 यहाँ लिख देंगे क्योंकि हमने की में उसे बताया हुआ है कि यार ये डबल डिजिट स्लैश 3 का मतलब 123 ही ले, समझ रहे हो? तो बस इस तरह बनाते जाना है। फिर इससे रिलेटेड वो एक दो सवाल पूछते मैं आऊंगा उस पर। अच्छा जी, तो अब ये आपने जब बात कर ली तो ये हो गए। अब जरा 12 से देखो कौन कौन शुरू हो रहा है। एक 12 से ये स्टार्ट हो रहा है 124, एक ये 129, एक ये 120, एक ये 127, ये तो इनमें अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन 120 है ना, तो मैं इस 120 का यहाँ जीरो लिख दूंगा। 120 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर, 120 पहले हो गया, उसके बाद कौन आता है 124 आता है, ठीक है, तो आप इस 124 का सिर्फ 4 यहां लिख दो, समझ रहे हैं? तो 124 हो गया, फिर उसके बाद कौन आता है 127 आता है, तो आप 127 के लिए ऐसे 127 कर रहे हैं, ठीक है, ये भी गया। फिर 129 आता है, तो 12 तो इधर दिया हुआ है, तो 129 ऐसे हर डिजिट के नीचे नीचे अपने प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है, ठीक है, फासले, इसे स्टेम एंड लीफ जी लिख सकते हैं। आप चाहे तो आप इसमें कॉमास भी डाल सकते हैं, बट अगर ऐसे भी स्पेस से रखो तो ठीक है। तो 129 हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो सी ये 120, 124, 127, 129,
यही डाटा हम इस पे अगर लिखते हैं तो ये भी एक तरीका है डाटा को रिप्रेजेंट करने का, जैसे बार चार्ट, पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट्स, वो इसी तरह ये भी है। अब जरा देखो 13th में देखिए कि कौन कौन है, एक 130 है, एक 132 है, काटते जाओगे तो जरा आसानी हो जाएगी, ये भी तो हो गए थे, तो एक 130 और एक 132 है, तो पहले 130 को लिखेंगे इसका जीरो, ठीक है, और फिर 132 को, तो ये 130 हो गया और 132 हो गया। ये पूरा इस डाटा का क्या होगा, इसे कहते हैं भाई बस स्टेम एंड लीफ डायग्राम। तो मुझे बताओ कौन सी इतनी बड़ी साइंस है, आसान लगा क्यों जी? तो अब एक और चीज देखो, तो अब इसका आंसर अगर हम मैच करें, सी मैंने ये आंसर जरा यहाँ लिखे भी रखे हुए ताकि आपको ये नजर आ जाए कि देखिए आप अब जरा अपने आंसर से इसको मैच करो, ये 107 आ गया, ठीक है, फिर ये 114, 116, 118, ये 120, 124, 127, 129, ये 130, 132, तो ये इसका रेफरेंस आंसर है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये जो हमने टॉपिक किया हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ IGCSE के मैथ सिलेबस में एडिशन है जी, मैं एक मिनट आता हूँ, पहले ये सीख तो लें, करते हैं साहब। क्यों भाई, यहां तक आप सबको समझ में आ गई बात, क्या ख्याल है? अब ये जब आपके पास क्वेश्चन हो गया तो इस सवाल में ना वो आपसे आगे एक क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द, अब आगे मैं उन सवालों पे भी आऊंगा, वो कहता है फाइंड द रेंज ऑफ दिस डाटा, तो इस डाटा की रेंज कैसे निकालते? मुझे बताइए, रेंज का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अरिथमेटिक्स में कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू, तो आपने मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू करनी है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू इधर कितनी आ रही है इस डाटा की, इसी से आप फाइंड करें जो स्टेम एंड लीफ डायग्राम। देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही थी 132, यही थी ना डाटा 132, माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू आपके पास आ रही थी 107, तो इस डाटा की जो रेंज है वो कितनी होगी, 132 माइनस 7 आई गेस विल बी 25, यही आता, तो ये इस डाटा की रेंज होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम आपको इस सबसे लोएस्ट टर्म से मिलेगी आउटर वाली और मिनिमम सबसे यहां मिलेगी। फाइंड द रेंज ऑफ दिस डाटा, फाइंड द रेंज ऑफ दिस डाटा, तो रेंज का फॉर्मूला हम पढ़कर आए हुए थे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो स्टेम एंड लीफ ड्रॉ करनी समझ आ गई आपको, दिस इज हाउ यू विल डू इट, ठीक है। मैंने जरा इधर ही अब स्पेसिंग की भी और आंसर भी आपके रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है कि आप उससे मैच कर लें, लेकिन जवाब आपने पहले नहीं देखना, ठीक है। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, ये मैंने जरा लिख के रखे हुए थे क्योंकि यार ये इसका आंसर है स्टेम एंड लीफ। समझ आ गई बनाना कैसे? अब जरा एक मिनट देखो, इसमें बहुत सारी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस 8-9 रखे हैं, इसमें आपको सारी टाइप्स की चीजें पता चल जाएंगी। अब देखो, देखिए सवाल में वो कहता है कि क्वेश्चन में उसने कहा है कि सैम मेजर्ड द हाइट ऑफ ऑल पीपल इन हिज चेयर, इन हिज स्क्वायर, सॉरी,
कहते हैं कि सैम मेजर्ड द हाइट ऑफ ऑल द पीपल इन हिज स्क्वायर द वैल्यूज इन सेंटीमीटर्स. तो वो उसने हाइट मेजर की है अपने सारे ग्रुप में लोगों की. द वैल्यूज इन सेंटीमीटर्स आर गिवन बिलो. ठीक है जी. देखिए उसने पहले बच्चे की हाइट नापी तो 154 सेंटीमीटर आ रही. दूसरे बच्चे की हाइट नापी तो वो 180 सेंटीमीटर आ रही. ठीक है. तीसरे बच्चे की हाइट नापी तो वो 176 सेंटीमीटर आ रही. देन चौथे बच्चे की हाइट नापी तो वो 153 cm. इसी तरह फिफ्थ बच्चे की 162 cm, सिक्स्थ बच्चे की हाइट 165 cm थी, सेवेंथ बच्चे की हाइट उसने 154 cm, एट्थ बच्चे की ये है, नाइन्थ की ये है, टेंथ की है, इलेवेंथ की है, ट्वेल्थ की है, थर्टींथ किड की है, फोर्टींथ की है, फिफ्टींथ की है और सिक्सटींथ की है. तो मुझे बताओ कि उसके क्वायर में टोटल कितने लोग थे. बिल्कुल सही है. जितनी ये हाइट 16 वैल्यूज है ना ये, तो इसका मतलब है कि द कॉयर हैड 16 पीपल इन इट. अब वो कहता है कि कंप्लीट द स्टेम एंड लीफ डायग्राम ऑफ सैम्स डाटा. ठीक है जी. अच्छा इधर तो मैंने ये वैल्यूज गलती से यूं लिख दिए ना, बट बेसिकली ये स्टेम एंड लीफ के लिए उसने सिर्फ जगह छोड़ी होगी. ठीक है. तो मैं आपको चलो इसका स्टेम एंड लीफ अब इधर इधर ही फिल करके बताऊंगा. देखिए यहाँ अब इस की का क्या मतलब है. देखो ना ये सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो की ऐसे बनाएंगे कि 16 वर्टिकल 2 मींस 162. ये 16/2 का मतलब होगा 162, ऐसे पूरा पढ़ना है. और ये यूनिट्स लिखना मस्ट होता है कि ये डाटा हाइट्स के बारे में है ना, तो आपको ये हाइट सेंटीमीटर्स में यहाँ लिखना मस्ट है, यूनिट जरूर दिया करें. अच्छा स्टेम में मैंने आपको क्या कहा था कि स्टेम एंड लीफ डायग्राम जब बनाएंगे तो बहुत सिंपल डाटा है कि देखिए आपने सबसे देखना है कि इसमें लोएस्ट वैल्यू कौन है. सबसे लोएस्ट वैल्यू देखो 154 अब तक लग रही है इससे नीचे. अच्छा अब ये 153 भी मिल गया जी. तो आपने लोएस्ट और हाईएस्ट देखनी है. तो अब तक 153 चलो हम देखते हैं इससे भी नीचे कुछ है कि नहीं, एक अंदाजन सही तरह से देख के करना है. चलिए इसका मतलब है कि इस डाटा का सबसे लोएस्ट अमाउंट 153 है, ये मार्क कर लो. और सबसे हाईएस्ट अब देखो ये मुझे नजर आ रहा है अब तक 180, अब 186 भी मिल गया है, 190 भी मिल गया है, 187, 176, तो अब तक 190 हाईएस्ट जा रहा है और इसका मतलब है 190 ही हाईएस्ट है. तो इट्स एज इजी एज दिस. तो पहले स्टेप में आपने हमेशा उसका लोएस्ट और हाईएस्ट हाईएस्ट देखना. अच्छा मुझे बताओ कि लोएस्ट का 15 पहले दो डिजिट्स, क्योंकि की में देखो ना 16/2 162 है, तो इसका मतलब है ये डिजिट्स 15 से स्टार्ट होंगे, ये डिजिट्स 15 से स्टार्ट होंगे और 19 तक जाएंगे. यस. तो 15 से शुरू करके ऐसे कंसेक्यूटिव डिजिट 16, 17, 18 और 19 आप लिख दो. ठीक है जी. तो आपने ये इस तरह से 15, 16, 17, 18 और 19 ऐसे करके लिख दे. ठीक है जी. करेंगे फिजिक्स भी करेंगे. तो अब जरा मुझे ये बताइए कि देखिए 15, 16, 17, 18 और 19 यानी 15 से स्टार्ट हो रहे हैं छोटे फिगर्स सबसे और हाईएस्ट 19 तक जा रहा है, तो आपने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के दरमियान सारे कंसेक्यूटिव ऐसे डबल डिजिट्स लिखे. अब मुझे बताओ कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 153. तो जैसे की कह रही थी 16/2 का मतलब अगर 162 cm है, तो फिर 153 को कैसे लिखेंगे. 153 का 15 ये आ गया और उसका सिर्फ 3 ये लिखेंगे.
आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 153 हो गया। फिर देखो इधर 154 भी है, तो ये इस तरह लिख देंगे, तो 153 पढ़ेंगे ऐसे, 15 वर्टिकल 3 मतलब 153, 15 वर्टिकल 4 मतलब 154, ठीक है। अच्छा तो ये भी हो गया, और चेक कीजिए कोई आ रहा है 150s में। हाँ अब देखो 154 दो दफा है, 154 दो दफा है, नहीं इधर सीएम में नहीं लिखना, बस इधर यूनिट लिखना, 154 दो दफा है तो आप दो दफा लिखेंगे 153, सी 153, 154, 154 दो दफा आ रहा है। और कुछ चेक करें 150s में कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, बस ये इधर ही आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जरा देखो 16 का चेक करें, 16 में कौन कौन से फिगर स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए एक ये है 162, ये 165 और ये 169, तीन फिगर्स हैं। तो असेंडिंग में लिखो पहले 162 को, तो 162 एंड फिर 165, 165 एंड देन 169। तो आप ऐसे 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 इन्हें कट करो, ठीक है। देन अब जरा चेक कीजिए कि यहां तक जब आप इसको लिख लें तो नेक्स्ट क्या आता है, 17 है यार आपके पास, 180 सॉरी 17 में देखें, 17 में अब आपके पास एक ये आ रहा है 176, क्योंकि एग्जाम में एक ही सवाल होगा तो इतना कोई रोला नहीं है, ये 176, 176, 172, 177, ये पांच फिगर्स है। तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ ऐसे डिजाइन बनाते जाओ। अब देखिए इसमें सबसे लोएस्ट क्या है, 172 है पहले, 172, ठीक है 172 आ रहा है, ये काट दो। फिर उसके बाद कौन है 176, तीन दफा है तो 176, 176, 176, तीन दफा लिखो, ठीक है 176, 176, 176, यूं पढ़ते हैं, आसान लगा, ये तीनों हो गए ऐसे। और अब 177 ये आ गए, ठीक है। फिर इसी तरह से अब 18 के लिए देखें, सी एक ये तो मुख्तलिफ सिंबल देख रहा, मैं कभी सर्कल डाल रहा हूँ, कभी बॉक्स, कभी स्टार, कभी टिक, कभी क्या, कभी अंडरलाइन। अब 180 वाला ये है, एक 180 ये है, और काटते जाओ जो जो गिनते जाओ ताकि बीच में से बचत वो बचते कम हो जाए इसमें। तो 180, 186, 187, 182, तो सबसे पहले 180, 180, देन 180 हो गया, फिर उसके बाद 182 आता है, 182, तो इधर भी आपने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है प्रॉपर, ठीक है। 182 हो गया, फिर उसके बाद 186 हो गया, 186 हो गया, और फिर 187 हो गया, ऐसे करके, क्यों जी समझ आ रही है जी, की तो यही इसी टाइप की। अब चेक कीजिए 19 में देखें, यहां पे आता है 190, तो 19 वाले 190s में तो सिर्फ एक है 190, और तो कोई नहीं। तो सारे डाटा देखो एंड पे कट जाएं तो मतलब हमने सही किया, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा इफ आई रिवील द आंसर नाउ, तो मैंने देखिए इसके लिए जस्ट फॉर रेफरेंस ये आंसर साइड पे लिखा हुआ है कि देखो 153, 154, फिर ये 259 आ रहा है, ये 2667 आ रहा है, 10267 आ रहा है, और ये 0 आ रहा है। तो एग्जैक्ट यही आंसर यहाँ पे हमारे पास क्यों आ जाएगा, ठीक है। अब जब आपके पास ये बिल्कुल सही समझ आ गया, नहीं लीफ के साथ यूनिट्स नहीं लिखने, बस वो की के साथ एक दफा मेंशन करना, ठीक है। मुश्किल बात है क्यों जी, बहुत आसान, बिल्कुल ठीक।
क्वेश्चन नंबर टू तक तो हम आ गए। अब जरा आप आइए इस क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, ये थोड़ा डेसिमल फिगर्स भी बीच में आ जाए। कहता है कि जी मेक अ स्टेम एंड लीफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। अच्छा, इस पिछले सवाल में मैं आपसे एक दो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछ लेता हूं। एक मिनट, पिछले सवाल पे वापस आइए। अगर मैं आपसे पूछता इसमें ए पार्ट में रेंज, तो आप रेंज कैसे निकालते? मैक्सिमम वैल्यू 190 माइनस मिनिमम वैल्यू 153, यही माइनस करते ना? नहीं, 19 माइनस 15 नहीं। देखो ये डाटा तो असल में तो ये हंड्रेड्स में है, तो आपने पूरा ऐसे 190 फिगर पूरा लेना है। यहां से आप कोई भी वैल्यू उठाओगे ना, तो आपको पूरा 190, 180, 182, 186, 187 लेना उसे इसी फॉर्म में हो। जी मैं आ रहा हूँ ना भाई, दो मिनट रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलो। रेंज तो ये हो गया, तो ये कितना होगा? 720, 37, ये इसकी रेंज। बी पार्ट में कहता है, अब जरा एक स्टेप और आगे चलता हूँ, कि अगर मैं आपसे इस डाटा का मोड पूछूं, डू यू रिमेम्बर मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स में ऐसे डाटा को जो इस तरह का डाटा लिखा होता है उसमें मोड बताया था कि इट इज द मोस्ट अकरिंग डिजिट। मोड के लफ्ज से मोस्ट अकरिंग डिजिट एवर, ये वैसे वर्ड बना लिया मोड से, मोस्ट अकरिंग डिजिट एवर। तो जरा बताइए इस पूरे डाटा में हु इज द मोस्ट अकरिंग डिजिट? स्टेम एंड लीफ से कैसे बताएंगे? यहां से तो पता है हमें कि 176 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है तीन दफा, ठीक है? तो मोड तो 176 है, लेकिन स्टेम एंड लीफ से आप ये देखो कि सी ये 176 176 176, कोई और फिगर है? देखिए 154 154 दो दफा रिपीट हो रहा है सर, ठीक है? तो ये मोड नहीं होगा, बाकी सब फिगर्स एक एक दफा हो रहे हैं, बट 176 इज रिपीटिंग थ्री टाइम्स। तो आपने खाली सिक्स नहीं लिख देना, पूरा मोड 176 होगा। यू गेट इट? क्यों जी? अब इसी का जो थर्ड पार्ट है, अगर फर्ज कीजिए मैं आपसे इसका मीडियन मांग लेता हूं, अगर इसी का मैं सी पार्ट में आपसे रेंज मोड और मीडियन अब अगर मांग ले, तो मुझे एक बात बताइए, मीडियन आप कैसे निकालते हो? देखिए मैंने आपको कहा था कि मीडियन में आपने ये देखना होता है इस तरह के डाटा में मीडियन तलाश करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको मीडियन की पोजीशन ढूंढना सिखाई थी, ठीक है? मीडियन की पोजीशन कैसे निकालते हैं? सिग्मा एफ प्लस वन अपॉन टू, ना खाली सिग्मा एफ ओवर टू नहीं, वो तो उसमें था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस तरह निकालते हैं, बट जो इस टाइप का डाटा होता है, ये जो इस तरह लिखा होता है, याद है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से, अब ये बेसिकली स्टेम एंड लीफ असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है, तो स्टेम एंड लीफ से कैसे ढूंढते हैं, अब उसका तरीका देख लो। सिग्मा एफ यानी टोटल कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 वैल्यूज है ना? तो आप 16 प्लस वन अपॉन टू करें, इससे मीडियन नहीं निकलेगा, इससे मीडियन की पोजीशन निकलेगी। तो 16 प्लस 1 ओवर 2 कितना आता है? दैट इज 17 ओवर 2। 17 ओवर 2 कितना होगा जी? ये होगा 8.5। यानी आपके पास ये आ रहा है 8.5th वैल्यू। देखिए 8.5th वैल्यू पर आपका मीडियन पोजिशनड है, यानी इसका मतलब है कि 8th एंड 9th, 8th एंड 9th, ना ना राउंड नहीं करना,
एट्थ एंड नाइन्थ पोजिशन पे आपका मीडियन पड़ा हुआ है, याद है ना? इसका मैंने स्टेटिस्टिक्स में पूरा डिटेल बताया हुआ था उसमें डाटा में भी। तो 8.5 को राउंड नहीं करना, इट मींस कि ये एट्थ और नाइन्थ वैल्यू पर, यानी योर एट्थ वैल्यू एंड द नाइन्थ पोजिशन पे पड़ी हुई वैल्यू विल गिव यू द मीडियन। तो अब आपने स्टेप टू में मीडियन कैसे निकालना है, जरा ये देखिएगा। अब चेक करो एट्थ और नाइन्थ वैल्यू कौन सी बनती है, इधर देखिएगा जरा, इस स्टेम एंड लीफ में देखें, बहुत आसान है। देखो देखो ये फर्स्ट वैल्यू है, गिनेंगे उसे 153 ही, बट इधर से देखते जाओ, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये है एट्थ और ये है नाइन्थ। तो एट्थ एंड नाइन्थ कौन सी वैल्यू है, 176, 176। तो एट्थ वैल्यू कौन है हमारी, वो भी 176 है, और नाइन्थ पोजिशन पे वैल्यू भी 176 ही है कोइंसिडेंटली, ठीक। तो अब आपने इन दोनों पोजिशंस पर पड़ी हुई वैल्यूज का क्या लेना है? सी मीडियन अब 176, एट्थ पोजिशन पे पड़ी वैल्यू और नाइन्थ पोजिशन पे पड़ी वैल्यू दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय टू करेंगे तो उनका मिडल नहीं आ जाएगा, मीडियन मिडल वैल्यू को कहते हैं। तो 176 प्लस 176 ओवर 2 का कोइंसिडेंटली जवाब भी 176 ही आता है। क्यों भाई लोग, समझ में आ रही है कहानी? एनीबडी वांट्स मैं इसको रिपीट करूं? याद रखिए ये जो इस तरह का लाइन डाटा होता है स्टेम एंड लीफ, उसमें मीडियन की पोजीशन सिग्मा एफ प्लस 1/2 है। कम्युलेटिव में खाली हाफ ऑफ सिग्मा एफ से मीडियन की पोजीशन घूमते थे, ये फर्क याद रखिए। सही फर्स्ट पे छोड़िए, ये जरा समझिए, समझ आ रहा है? वो भी यही क्वेश्चन ही कर रहे थे सिंपल सा। अच्छा तो अब 16 वैल्यूज थी, ये 16 सिग्मा एफ में नंबर ऑफ वैल्यूज देख रहा था कि देखिए ये मैंने जब गिनी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 वैल्यूज के साथ प्लस 1/2 करें तो आपको पता लगा कि 8.5th वैल्यू पर आपका मीडियन पोजिशन है। ये मीडियन की पोजिशन ढूंढने का फॉर्मूला। तो 8.5 का मतलब क्या बताया था कि 8th वैल्यू एंड द 9th वैल्यू, यानी आपका मीडियन वो कहना चाह रहा है 8th वैल्यू और 9th वैल्यू पे पोजिशन है। तो फिर स्टेम एंड लीफ से तो गिनती आसान है। देखो ना ये फर्स्ट वैल्यू है 153, ये सेकंड वैल्यू है 154, ये थर्ड वैल्यू है 154। तो मैं सिर्फ यहाँ से गिनता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, सिक्स्थ वैल्यू, सेवंथ वैल्यू, दिस इज द 8th एंड दिस इज द 9th वैल्यू। तो हम तो बस 8th और 9th चाहिए, तो गिनना उसे पूरा 176, 176, खाली कहीं 6 प्लस 6 ना कर दे, ठीक है। हाँ अगर डिफरेंट होती मिसाल, अब मैं फर्ज करो कहता हूँ कि 8th वैल्यू सपोज आपकी होती 175 और 9th होती 176, मिसाल दे रहा हूँ, तो आप 175 प्लस 176 अपॉन 2 कर देते तो इसका डेसिमल आंसर एक आ जाता 175.5, देन दैट वुड बी योर मीडियन। समझ रहे हो? अच्छा अब ये तो हो गया ऐसे करके, इसी का अगर मुझे वो मीन निकालने को कहता, देखिए बच्चों अगर मुझे इसी का इसी क्वेश्चन में वो बोलता कि जी फाइंड द मीन ऑफ सैम्स डाटा, तो जरा ये देखिए, अब अगर मुझे इसी में डी पार्ट में मीन निकालना पड़ता, व्हाट इज मीन, मीन इज एवरेज। तो ऐसे डाटा का मीन तो पता ना आपको, फिर इधर से सिंपली अब देखो मैं लिखता जाऊंगा 153 प्लस सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, याद है सिंगल डाटा का मीन निकालना स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स में बताया था, तो इट हैज अ डीप कनेक्शन विद ऑल दैट। ये 153 प्लस 154 प्लस 154 प्लस 162 प्लस 165 प्लस 169, तो ये ऐड करते जाओ, प्लस 172, ठीक है, प्लस 176, अब मैं बस जगह खत्म होगी, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, प्लस 176 अनदर वन, प्लस 176 एक और,
प्लस 177 प्लस 180 प्लस 182 प्लस 186 प्लस 187 प्लस 190 डिवाइडेड बाय तीन में इन सारों को ऐड करके डिवाइड बाय क्या करेंगे 16 करेंगे, ठीक है। तो बताओ ये फिर क्या हुआ। अरे यार मैं एक बात कर रहा था भाई, वो एक सवाल पूछ रहे थे मुझसे, असल में तो यही है ना यार, सब कंफ्यूज कर दिया आपने। ओ भाई वन एट्थ वैल्यू 176 ही है, नाइन्थ वैल्यू 176 ही है। वो बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर अगर ये डिफरेंट होती तो क्या करते। मैं इसका जवाब दे रहा था। तो यार क्या कर रहे हो, समझ आ गई है, कंफ्यूज हो गए हो। नहीं नहीं यार वो दूसरा कुछ पूछ रहा था यार, समझ आई है भाई। इसमें वन से देखिए एट्थ वैल्यू भी 176 है, नाइन्थ वैल्यू भी 176 है, 176 प्लस 176 ओवर टू ये कर रहे हैं। वो वैसे मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था कि जी अगर एट्थ वैल्यू डिफरेंट होती नाइन्थ वैल्यू डिफरेंट होती तो फिर क्या करते। फिर भी वही करते, सिंपली ऐड करके डिवाइड बाय टू कर देते। तो समझ गए हो, अब इस सारे टोटल का कैलकुलेटर पे अब करना 153 प्लस 10 10 10 10 10 10 10 डिवाइड बाय 16 वैल्यूज है ना, तो आपको मीन यानी एवरेज वैल्यू इधर से मिल जाएगा, क्या नहीं। तो स्टेम एंड लीफ से ये सारा कुछ फिर ऐसे ढूंढा जाता है। क्यों बच्चों, यहां तक क्लैरिटी है सबको? हाँ जी, अब जरा आइए इसके बाद इस वाले क्वेश्चन नंबर थ्री पे। कहते हैं मेक अ स्टेम एंड लीफ फॉर द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। अब जरा सुनना, अब ये 6.6, अब ये डेसिमल वैल्यूज है, 6.6 4.8 3.8, अब ये पता नहीं क्या है लेकिन डेसिमल वैल्यूज। तो कहते हैं कि इसका स्टेम एंड लीफ बनाओ। सबसे पहले तो हम इसे की बना के देंगे। ये की में उसने यूं लिखा हुआ है कि 4 वर्टिकल 8 मीन्स, क्या मतलब होगा इसमें, ये सब क्योंकि डेसिमल डाटा है तो जरा बताना। इसमें से उसने कोई एक वैल्यू ये उठा लिया कि 4 वर्टिकल 8 मींस दिस इज 4.8, यानी आप इधर क्योंकि डेसिमल डाटा है तो ये 4 वर्टिकल 8 को वो क्या लिख रहा है 4.8, समझ आई। तो अब जरा मुझे एक बात बताइए, देख तो जरा गौर से देखो, इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन आ रही है फिलहाल तक। आई कैन सी 3.8, 3 सबसे लोवेस्ट है, यानी 3.8 यही आ रही है। तो इसका मतलब है आई विल बिगिन विद 3, 3 इज द लोवेस्ट सो आई विल बिगिन विद 3, ठीक है। एंड हु इज द हाईएस्ट, 6.6 तक जा रही है और कुछ और तो नहीं उससे ऊपर, 6 तक जा रही है। इसका मतलब है कि 3 इज द लोएस्ट एंड 6 इज द हाईएस्ट। आपने स्टेम एंड लीफ में हमेशा लोएस्ट और हाईएस्ट चुनने, 3.8 लोएस्ट है 6.6 हाईएस्ट है, तो फिर 3 से 6 तक सारे कंसेक्यूटिव फिगर्स स्टेम में डाल दो, 3 4 5 6 ऐसे कर। डू यू अंडरस्टैंड जी, क्या ख्याल। अब जब इनकी हम लीव्स बनाएंगे तो ये एक स्टेम है मेन, समझ रहे हो ना, इसलिए इसको स्टेम एंड लीफ कहते हैं कि ये जैसे दरख्त किसी ब्रांच की मेन स्टेम है और ये आगे उसकी लीव्स होंगी। तो अब देखो, अब मुझे बताओ कि 3 अगर सबसे लोएस्ट था तो जरा चेक करो 3.8, एक ये वाला है और एक ये वाला 3.8। अब इसे क्या मैं 0.8 लिखूंगा या सिंपली इसको यूं लिखूंगा 3 8 और 8, दो दफा आ रहे ऐसे लिख दूंगा, मतलब उसका वही है। देखिए जैसे हमने कहा 4 वर्टिकल 8 मींस 4.8, इसी तरह 3 वर्टिकल 8 का मतलब 3.8 होगा, यस। इसमें भी याद रखना 3/8 हो गए। अच्छा फोर्स के साथ देखते हैं कि देखिए फोर्स एक ये 4.8 है, 4.6 है, ये आसान तरीका होता है, 4.3 है।
तो 4.8, 4.6, 4.3 सबसे लोएस्ट 4.3 है, तो मैं इधर लिखूंगा 4.3 4/3, ठीक है? आर यू गेटिंग मी? इसी तरह 4.3 हो गया, फिर अगला कौन आता है 4.6, ये 4 वर्टिकल 6 यानी 4.6 होगा, ये कट हो गया, फिर 4.8 तो ये आ गया इसका। क्यों जी आसान लग रहा है स्टेम एंड लीफ, बहुत इजी काम, ये कट गई। अब 5 देखिए कौन कौन है, एक देखिए 5.9 है, मुख्तलिफ सिंबल्स लगाओ ताकि आपको याद रहे, एक 5.8 है, एक 5.4 है, तो 9, 8 एंड 4, तो पहले 5.4, फिर उससे बड़ा 5.8, फिर उससे बड़ा 5.9, तो ये मैं ऐसे इन्हें करने के बाद काट दूं, क्यों जी? एंड देन 6th पे, ये मैंने इसका रेफरेंस आंसर नीचे लिखा हुआ है, 6th में क्या होगा, 6.6 है, 6.4 है, बस दो ही, तो ये 6.4 एंड 6.6। नाउ दिस इज योर स्टेम एंड लीफ डायग्राम, और चेक कीजिए क्या यही आंसर्स नहीं आ रहे, क्यों भाई लोग, आसान लगा या मुश्किल बताइए। तो सिंपली उस गिवन डाटा में लोएस्ट डिजिट देखना है, हाईएस्ट देखना है, और उसके बीच सारे कंसेक्यूटिव डिजिट स्टेम के लगा दें, और बस उसके बाद आपने देखते जाना है कि वो और की को समझ कर, तो सी योर आंसर विल बी दिस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर लेटर रेफरेंस। अच्छा, तो ये एक नई एडिशन हुई है इसलिए इसकी वो चीज़ें नहीं। अच्छा, अब मैं आपको जरा इससे रिलेटेड कुछ वैसे खुद से सवाल पूछ रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस में भी बार बार होती रहे। इफ आई आस्क यू कि इसकी मुझे रेंज बताएं, क्विकली जरा देखिए इसकी रेंज कैसे निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम, राइट? तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, नहीं है जीसीई में, नहीं है जी, ये सिर्फ आईजी में, 6.6 माइनस 6.6 माइनस 3.8, तो रेंज कितनी बनी इसकी, 6.6 माइनस 3.8 कितनी आ जाएगी, ये 2.8 होगी, समझ रहे हो ना, 6.6 है और 3.8 रेंज ऐसे निकालते। बी पार्ट में अगर उसने आपसे पूछा कि मोड क्या है, कैन यू टेल मी हु इज द मोस्ट अकरिंग डिजिट, क्यों जी? यस, देखिए मोस्ट अकरिंग 3.8 3.8 दो दफा, 4.3 4.6 4.8 बाकी कोई भी दो दफा रिपीट नहीं हो रहा, तो 3.8 will be your mode which is repeating twice, but 38 नहीं, values उसी format में लिखनी है जिसमें दी हुई, mode निकल आया। अच्छा, अब अगर median ढूंढना हो, if I am asked के median तलाश करें इस data, तो जरा मुझे एक बात बताओ, अब देखो इसका आसान तरीका पता क्या होता है, median का formula क्या था, sigma f plus 1 over 2, यानी ये जो number of values है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बेशक यहां से गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 वैल्यूज हैं प्लस 1 ओवर 2, ये आ गया 11 ओवर 2 व्हिच इज 5.5, यानी आपका मीडियन 5.5 वैल्यू पे पड़ा हुआ, जिसका मतलब क्या होता है, फिफ्थ वैल्यू पे पड़ा हुआ है एंड सिक्स्थ वैल्यू पे, तो योर मीडियन इज लाइंग एट द फिफ्थ वैल्यू एंड द सिक्स्थ वैल्यू। जरा बताइए कि फिफ्थ वैल्यू कौन है, देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, ये है फिफ्थ वैल्यू, ये है सिक्स्थ वैल्यू, समझ रहे हो? तो अगर ये वो आ रही है, तो अब इसका मीडियन कैसे असल में निकालेंगे, जरा बताइए, फिफ्थ वैल्यू तो 4.8 है, fifth value sigma f, नहीं मैंने असल में sigma f is the number of values given, यानी ये total कितनी values given है, ठीक है, समझे मैडम, ये total 10 values है, तो 10 number of values plus 1 over 2, तो आ जाएगा 5.5, यानी fifth value and the sixth value पे median है। अब इधर से मैंने गिना तो 1, 2, 3, 4, 5 ये फिफ्थ वैल्यू है और ये सिक्स्थ वैल्यू है, मीडियन इन पे है,
तो फिफ्थ वैल्यू को अब खाली 8 ना लिख देना, 4.8, ये तो पता ना कि फॉर्मेट यही होगा जो असल में, जी 4.8 फिफ्थ वैल्यू है, प्लस सिक्स्थ वैल्यू क्या आ रही है 5.4, इन्हें ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.1. दिस इज एक्चुअली द मीडियन वैल्यू जो मिडिल में, और अगर मीन पूछे तो मीन में क्या करना है, इसी से देखिए, अगर सारा कुछ मैं स्टेम एंड लीफ से कर रहा हूं, देखिए मैं उस ऊपर वाले डाटा से नहीं कर रहा, हाँ ये बात मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में भी बताई थी कि देखिए जो आपका मीडियन निकलता है, याद रखिए उस मीडियन का उस गिवन डाटा में मौजूद होना ये लाजमी नहीं होता, याद है मैंने आपको बताई थी बात। अच्छा आप अगर इसका मीन तलाश करना, तो मीन का मतलब तो एवरेज होता है ना, तो इन सारी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, तो आप इसको करोगे वही 3.8 प्लस 3.8 प्लस 4.3 प्लस 4.6 प्लस 4.8 प्लस 4.5.4 प्लस 5.8, ये करते करते 6.6 तक हम करके डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, कितनी वैल्यूज थी, 10 वैल्यूज थी, समझ आई कि 10 नंबर ऑफ वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दो तो ये आपको बस मीन आ जाए, ठीक है, समझ आ रही है बात, क्यों जी स्टेम एंड लीफ बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे जरा एक मिनट ये देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ अब हमें यूं मिल रहा है, तो लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। जरा अब ये आप एक टेस्ट के तौर पे कीजिए, कहता है आफ्टर सेवरल मंथ्स ऑफ ग्रोथ किम मेजर्ड द हाइट इन सेंटीमीटर्स ऑफ ईच ऑफ हर प्लांट्स, देयर हाइट्स आर गिवन बिलो, तो ड्रॉ द स्टेम एंड लीफ डायग्राम फॉर किम्स डाटा। जरा ये टेस्ट की तरह करें जल्दी से, जो मैंने इसका रेफरेंस आंसर लिखा हुआ है ये मैं आपको बता दूंगा जल्दी से इसको करें। जी इसमें की भी आपने अपनी बनानी है, हर चीज अपनी, पूरा स्टेम एंड लीफ की का मार्क होता है इसको। जी की के लिए कोई भी नंबर पिक कर सकते हैं, बिकॉज को उसको हमने मॉडल देना होता है यार, व्हाट आई एम अबाउट टू डू उसमें ये बात है। देखिए इसमें की आपने एक सिंपल सी ये बनानी है, देखो सबसे पहले की बनाओ, पिक अप एनी नंबर, एनी रैंडम, सपोज आई पिक अप 47, तो देखिए सब डबल डिजिट नंबर्स है ना, मैं देखो सब डबल डिजिट नंबर्स है, कोई ट्रिपल तो नहीं है,
अगर ये सब डबल डिजिट्स हैं तो मैं 47 को कैसे लिखूंगा? 4 वर्टिकल 7 मींस, मैं कहूंगा जी 4 वर्टिकल 7 मींस ये 47 क्या है? सेंटीमीटर, क्योंकि ये हाइट्स थी सेंटीमीटर्स में, तो ये यूनिट जरूरी है। बिल्कुल सही है, आपने कहा कि जी मैंने 14 पिक कर लिया, तो बिल्कुल सही, आप लिख दो 1 वर्टिकल 4 मींस 14 cm। तो बेस्ट है कि बस पहली वैल्यू उठा के बता दो, 3/8 मींस 38 cm, बस एक मॉडल देना है कि जी ये मतलब है, ठीक, दैट्स इट। क्या ख्याल है? चलिए, तो की आपने बना ली कोई भी एक मॉडल फिगर बता के, तो यू कैन डू दैट। ना ना, ऐसे नहीं करेगा, मैथ्स में यूनिट सेम ही रहते, इजी है ना। चलिए, अब इसका स्टेम एंड लीफ जब हम बनाएंगे तो देखिए, मैं आपके सामने ऐसे इसका स्टेम और लीफ, ये थोड़ा सा बस केयरफुली काम करने की जरूरत है, कोई चीज छूट ना जाए बस, ठीक है। अच्छा, की तो हमने बना के दिखा दी, अब मुझे बताएं इसमें सबसे लोएस्ट फिगर कौन सा है? फिलहाल तक सी, आई कैन सी 14 सबसे लोएस्ट है, इससे भी नीचे है कुछ नहीं, तो 14 सबसे लोएस्ट है, और हाईएस्ट कौन है? 14 इज द लोएस्ट एंड हाईएस्ट इज आई गेस 47, हाँ 47। तो अब मुझे बताएं 14 लोएस्ट है तो 14 का 1 पहला फिगर स्टेम बन जाएगा, और हाईएस्ट 47 है, तो ये 1, 2, 3, 4 चारों में बीच के फिगर्स ऐसे ये डाल दूंगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके मैं यूं डाल दूं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो गौर कीजिएगा, 1, 2, 3, 4 अगर ऐसे आता, मुझे ये बताइए कि ये जो वन है, देखिए ये जो वन आ रहा है, सी अब वन के साथ कौन कौन है? एक है 14 और कौन है? एक है 19, बस। तो पहले 1, 4, सी 1 vertical 4 मींस 14, फिर 19 है, तो 1 vertical 9 मींस 19, यस। अब चेक करो, तो ये दो तो हो गए, अब 2 से देखते हैं कौन कौन है। सी एक 22 है, यहां से गिनते जाओ, 22 है, एक 29 है, और एक 24 है, ठीक है, बस। तो 22, 29, 24, तो पहले 22 आएगा 2/2, ये काट दो, फिर 24 आएगा 2/4, ये काट दो, फिर 29 आएगा ये 2/9, ये आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब जरा देखिए कि इसमें 3 को कैसे करेंगे। देखिए एक 38 है, एक 36 है, एक 35 है, एक 32 है, एक 35 है, या 38, 36, 35, 32, 35। तो अब इसमें व्हाट डू यू थिंक कौन आएगा? सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 32। तो 32, फिर अगला कौन है? 35, 35, और 36, 38 है, 35, 35 अगला, तो 35, 35 दो दफा ना, 35, 35 बस ऐसे आता है, बाकी तो कुछ। 36 है, ये आ जाएगा 36, यूं आ गया, फिर 38 है, ये 38 आ गया, तो 32, 35, 35, 36, 38 बेसिकली आ गया। नाउ व्हाट, 40s में देखो, 38 भी कट गया, अब 41 है सिर्फ और 47, 41 और 47, तो 41 और 47, तो ये इसका बनेगा स्टेम एंड लीफ डायग्राम, यस, इज इट क्लियर टू यू? कंपेयर कीजिए,
इसमें ना बस केयरलेसनेस होती है, बाकी तो आसान है। तो देखिए, इफ आई रिवील द फाइनल आंसर, इट्स लाइक दिस। देखिए यही मेरा आंसर भी आ रहा है, 4 and 9 है, 2, 4, 9 है, 2, 5, 5, 6, 8 है और 1 and 7। तो ये सब मैंने रेफरेंस के लिए आपको दिखे हुए कि कुछ चीज मुझसे मिला छूट गया। तो की का एक मार्क होता है और दो एक नंबर आपको इसकी फिलिंग के मिलता है, 2 से 3 मार्क्स। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, नाउ क्विकली गिव मी द आंसर्स फॉर दीज पार्ट्स, इफ आई आस्क यू द रेंज, बताइए क्या आएगा रेंज? रेंज में देखो, हाईएस्ट वैल्यू इस एज पे मिलेगी 47, माइनस लोएस्ट वैल्यू इस एज पे मिलेगी 14, तो ये आपकी रेंज आ गई, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि मोड क्या है इस डाटा में, हु इज द मोस्ट अकरिंग डिजिट एवर, देखिए 14, 19, 22, 24, 29, 32, 35, 35 दो दफा आ रहा है, तो मोड इज 35। खाली 5 ना लिख देना, देखो ना 35, 35 सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स 35 रिपीट हो रहा है, मोस्ट अकरिंग ये। अच्छा, अब अगर मैं आपसे इसका पूछूं कि मुझे इसका मीडियन बताएं, तो हाउ विल यू फाइंड द मीडियन? मीडियन के लिए याद है, सबसे पहले हमेशा स्टेप 1 में मीडियन की पोजीशन आपने तलाश करनी है। देखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसका फॉर्मूला हाफ ऑफ सिग्मा एफ था, वो अलग फॉर्मूला। यहाँ मीडियन पोजीशन के लिए बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज, देखिए ये कितनी वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वैल्यूज है ना। तो 12 वैल्यूज, सी बेसिकली 12 वैल्यूज के साथ हमेशा प्लस 1/2, यानी तो ये आ जाएगा 13/2 व्हिच इज 6.5। इसका मतलब है कि आपका मीडियन 6th वैल्यू एंड 7th वैल्यू पे पोजिशनड है, 6th वैल्यू एंड 7th वैल्यू पे पोजिशनड है। तो अब स्टेप 2 में आप उसका वहां सिस्टम एंड लीव से देखिए कि 6th वैल्यू एंड 7th पे कौन है। देखिए 6th वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6th वैल्यू ये है और 7th वैल्यू ये है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है ना। तो इसे 32 इज द 6th वैल्यू, 35 इज द 7th वैल्यू। तो 6th वैल्यू 32 है और 7th वैल्यू 35 है, तो 32 प्लस 35 डिवाइड बाय 2, अब इनका मिडल निकलेगा, कितना आता है, इज इट 36.5? कैलकुलेटर पे करो ना यार, 33.5, ठीक है। तो इट मींस ये इसका 33.5 आ गया, यस, क्यों जी? और अगर मीन निकालना हो तो मीन का तो पता ना कैसे निकालते हैं, ये सारे ऐड होंगे, 14 + 19 + 22 + 29 + 32 + 35 + 36 + 38 + 41 + 47 कितनी वैल्यूज थी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिवाइड बाय 12। तो मीन का फॉर्मूला याद है क्या था? सम ऑफ द वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ द वैल्यूज, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी उससे डिवाइड करते। क्यों जी, क्रिस्टल क्लैरिटी होगी? अच्छा, अब जरा इस पे आ जाओ, ये वाला छोटा सा, मैंने ये ऐसे फिगर्स भी डाले, ये करो जरा, क्यों जी? अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक समझें। देखिए, कहता है कि ये डाटा है, मेक अ स्टेम एंड लीव डायग्राम फॉर दिस डाटा।
यार अब इसमें तो देख रहे हो आपको हंड्रेड्स में दिए हुए, 2700, 4400, 2700, 4700, 2800, 3200, 2200, 2800, 3735. एक मिनट सुनना आप जरा, इधर की का मतलब पता है, उसने आपको इतना दिया हुआ और ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है कि थ्री वर्टिकल सेवन मीन्स, ये देखो उसने पहली वैल्यू उठाई हुई है, थ्री वर्टिकल सेवन मीन्स 3700, क्योंकि देखो ये डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो तो हर एक फिगर के साथ आ रहा है, तो हमें की में थ्री वर्टिकल सेवन खाली लिख के लिखना है, बिकॉज ये अंडरस्टूड है कि दोनों के साथ डबल जीरो तो आ ही रहा है, समझ रहे हैं? तो ऐसे टाइप ऑफ फिगर्स में मैंने आपको हर एक मॉडल क्वेश्चन उठाया हुआ है कि डेसिमल्स की भी पता चल जाए, होल नंबरों का भी, ताकि थोड़ा एक प्रैक्टिस उसमें हो जाए, ठीक है जी? आर यू गेटिंग मी जी? जरा यस नो किया करें प्लीज। तो थ्री वर्टिकल सेवन, ये पहली फिगर मैंने उठा ली, हमेशा की पहले फिगर से ही बता दिया था, थ्री वर्टिकल सेवन मीन्स 3700, बिकॉज ही कैन ऑल्सो सी के डाटा में 100 100 तो सबके साथ आ रहे हैं, तो इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं होती कि थ्री वर्टिकल 700 मीन्स 3700, ये जीरो जीरो को मेंशन करना जरूरी नहीं। यू गेटिंग मी जी? तो अब बताइए कि अब इसमें क्या होगा, 3/7 मीन्स 3700। अब जरा मुझे बताओ कि ये आपके पास कितना आता है, देखिएगा गौर कीजिए कि अब इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 37, 27, 44, 27, अब तक तो 27 लग रही है, 28, 32, 22, नहीं अब 22 आ गई है, और 38, 27, 35, तो 22 सबसे लोएस्ट है, तो हम इधर 2 से शुरू करेंगे, और सबसे हाईएस्ट कौन है, 37, 44 हाईएस्ट आ रही है अब तक, 47 हाईएस्ट हो गई, तो 47 सबसे हाईएस्ट है, तो 2, 3 एंड 4, क्या ख्याल है? तो 22 सबसे लोएस्ट थी, तो मैंने 2 से स्टार्ट लेके 47 सबसे हाईएस्ट थी, तो 4 तक में ले गया। नाउ व्हाट आर वी गोना डू, अब जरा देखिए, 2 देखना, हमने इधर सिंगल डिजिट वर्टिकल 7 मींस 37 बोला था, और 100 तो साथ जुड़ी रहा है, यहां भी हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो 2 के साथ कौन कौन आ रहा है, एक ये 2700 है, एक ये 2700 है, 2800 है, 2200 है, 2700 है, बस। तो बताइए इसमें मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले 22 आएगा ना, तो 2/2 खाली, सुनिए इसे 2 वर्टिकल 2 लिखूंगा, अंडरस्टूड है कि ये 22 और 100 मानना है उसे बाद की वर्किंग्स में, बट यहां 200 लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही है? अच्छा, तो ये 2200 हो गया, इसे काट, और उसके बाद कौन है, 27 28, तो 2700 तीन दफा आ रहा है, तो देखिए 2700 इज ऑब्वियस, फिर दोबारा से एक और 2700 इज ऑब्वियस, क्योंकि इसका मतलब की में हमने दिया हुआ, इसी तरह एक और 2700 आ रहा है, तो 2700 ऑलरेडी आ गई, फिर 2800 है, 2800 ही आ गई, ठीक है जी? अब जरा बताइए कि अब इसमें 3 के साथ क्या आता है, देखिए 3 के साथ एक 3700 है, और एक 3200 है, एक 3800 है, एक 3500 है, तो 37 32 38 35, 32 पहले आएगा, तो 3200 इज ऑब्वियस, 3500 इज ऑब्वियस, 3700 इज ऑब्वियस, क्यों जी? और 38 3/8 होगा, क्यों जी? इसी तरह आप देखिए 4400 47, तो 44 और 47, तो ये 4400 और 4700। नाउ हंड्रेड्स इनके साथ ऑब्वियस हैं डाटा में, बट इधर मेंशन नहीं करने पड़ते जीरो, समझ रहे हैं? सी इफ आई रिवील द आंसर इट्स लाइक दिस, बोलो भाई। लेकिन अगर अब वो हमसे पूछे
कि रेंज बताओ, तो रेंज कैसे बताओगे, बोलिए रेंज कैसे बताओगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। जरा देखिए मैक्सिमम वैल्यू ये होती है 47 और 100 हम खुद लगाएं, ये हमें पता होना चाहिए। माइनस मिनिमम कौन सी होती है, ये वाली 2200। तो अब इस डाटा के बजाय हम सब कुछ स्टेम एंड लीफ से सीख रहे हैं। आपको याद है मैंने इस तरह के सिंगल डाटा से भी ये मीन मीडियन मोड रेंज वेंज निकालना सारा सिखाया हुआ है। उन स्टेटिस्टिक्स की वीडियो लेक्चर्स में जाओ, मीन मीडियन मोड जहां शुरू हुआ है, सिंगल डाटा का मीन मीडियन मोड मैंने क्रिस्टल क्लैरिटी से वहां भी करवाया हुआ है। उम्मीद है आपने किया होगा और आता भी होगा, ठीक है। तो अब हम स्टेम एंड लीफ के जरिए ये सब सीख रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? तो देखिए 47 minus 2200, इसका जो आंसर आया 2500। जरा बी पार्ट पे आइए। अब अगर मोड पूछूं, व्हाट इज द मोस्ट अकरिंग डिजिट एवर, स्टेम एंड लीफ से बताओ। अब इसको भूल जाओ, ऊपर सब कुछ स्टेम एंड लीफ से करो। हु इज द मोस्ट अकरिंग, सी ये 2700 2700 2700 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो 2700 लिखना 2700 ये पूरा, यू गेट इट, ये इसका आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे मीडियन पूछूं, इस डाटा का मीडियन, तो मीडियन के लिए सिंपल से दो स्टेप्स हैं जो आपको सिंगल डाटा में भी सिखाए थे और अभी भी उसमें, तो याद है इनको, हम इस डाटा को याद है हम अरेंज करते थे असेंडिंग ऑर्डर में और फिर एक वैल्यू राइट से काटते थे, एक लेफ्ट से, एक राइट से, एक लेफ्ट से, वो वाला तरीका भी याद है। बट इधर आप सिंपली गिन लो नंबर ऑफ वैल्यूज प्लस 1/2, ये मीडियन की पोजीशन मिलेगी, समझियो। तो कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 plus 1/2, ये भी देखो जरा, यस देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज है। 11 plus 1/2 is 12/2, यानी सिक्स्थ वैल्यू पे आपका मीडियन पड़ा हुआ है। अब यहां सिंगल वैल्यू पे, तो ये तो ज्यादा आसान होता है, डायरेक्ट अब आपका मीडियन निकल आएगा। बताना सिक्स्थ वैल्यू पे कौन पड़ा हुआ है, सी 1 2 3 4 5 and 6, तो इसे 32, तो सिक्स्थ वैल्यू पे 3200 हमारा पड़ा हुआ। क्यों भाई लोग, समझ में आ रही है कहानी या मुश्किल हो रही है? और अगर हमें इसमें मीन ढूंढना हो तो उसमें तो फिर आप सब ये 2200 सी सबको ऐड करो, 2200 प्लस 2700 प्लस 2700 दोबारा प्लस 2700 दोबारा प्लस करते करते 4700 तक हम सारा कुछ दिखा के, ये दिखाना पड़ता है, अपॉन 11 वैल्यूज है ना, डिवाइड बाय 11 करते। क्यों बच्चों, बिल्कुल सही समझ में आ गई कहानी? क्यों जी, नी प्रॉब्लम? चलिए, तो भाई लोग ये हो गया स्टेम एंड लीफ पूरे डाटा का। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आइए जरा, ताकि थोड़ा सा मैं ये आपको अगले वाले पार्ट्स भी प्रैक्टिस करा दूं। स्टेम एंड लीफ कर ही लो पक्का, आपकी ख्वाहिश थी तो मैंने कहा चलें जरा इसको वैसे टेस्ट कीजिए। अब ये टेस्ट जल्दी से करो। मल्केश का तो स्टेम एंड लीफ दिया हुआ है, कहता जी अब ये स्टाइल से भी पूछ सकता है ना, स्टेम एंड लीफ खुद दे के तो आपसे पूछ सकता है। कहता एडम रिकॉर्डेड हाउ लॉन्ग इट टुक हिम टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग एवरी डे फॉर 3 weeks, हिज रिजल्ट्स हैव बीन डिस्प्लेड इन द स्टेम एंड लीफ डायग्राम बिलो। मुझे ये बताइए कि अब ये स्टेम एंड लीफ डायग्राम है उसका,
अच्छा किसी फिगर के आगे कुछ ना आए, इसका मतलब है वो 40s में रिपीट नहीं हुआ, लेकिन हमें तो कंसेक्यूटिव लिखनी पड़ती है ना स्टेप्स। अच्छा सबसे पहले अगर वो पूछे राइट डाउन द मोड, तो टेल मी हु इज द मोस्ट अकरिंग डिजिट, सीट्स 1313 दो दफा आ रहा है, और तो कोई नहीं है, 13 मोड इसका 13 होगा। कैलकुलेट द रेंज, रेंज के लिए आपने 51 माइनस ये 09 को क्या लिखेंगे, सिंपल लाइन, 51 माइनस 9 42। अच्छा अब जरा एक मिनट देखो, ये बड़ी एक जबरदस्त एक बात उसने पूछी है, कहता है कि जी व्हाट परसेंट ऑफ एडम्स जर्नी वर अंडर 20 मिनट्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ एडम्स जर्नी वर अंडर 20 मिनट्स। अच्छा अब मुझे बताओ अंडर 20 मिनट्स का मतलब क्या है, इसमें 20 मिनट्स वाले फिगर्स शामिल होंगे या नहीं होंगे। ट्वेंटी से लो वाले, बिल्कुल, तो मुझे एक बात बताइए 20 से लो वाले, अब देखो ना ये तो 20 मिनट्स, ये 21 मिनट्स, ये 25 मिनट्स, 26 मिनट्स, ये 29 मिनट्स, तो ये तो सब और इससे ऊपर वाले तो शामिल ही नहीं होंगे। अंडर 20 मिनट्स में तो कौन कौन सी जर्नीज आती हैं, ये वाली ना कि एक जो उसकी एक जर्नी में 9 मिनट लगे, एक में 12 मिनट लगे, एक में 13 मिनट, एक में 13 मिनट, एक में 14 मिनट्स, एक में 16 मिनट्स, एक में 18 मिनट्स, एक में 19 मिनट्स, ये हैं वो टाइम्स जो बिलो 20 मिनट्स हैं। तो मुझे एक बात बताइए परसेंटेज ढूंढने के लिए कितनी जर्नीज वर बिलो 20 मिनट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 जर्नीज उसकी थी जो बिलो 20 मिनट्स। तो परसेंटेज याद है ना कि जो चाहिए जिस चीज की परसेंटेज उसकी अमाउंट ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितनी जर्नीज है, 1 2 3 4 5 6 ये जितने टाइम्स हैं उतनी जर्नीज होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जर्नीज, 15 टाइम्स है ना यार। सवाल गौर से पढ़े, एडम कहता है एडम रिकॉर्डेड हाउ लॉन्ग इट टुक हिम टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग एवरी डे फॉर 3 weeks, तो हिज रिजल्ट्स हैव बीन डिस्प्लेड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो 8 जर्नीज आउट ऑफ द टोटल 15 जर्नीज वर अंडर 20 मिनट्स, तो इनटू 100 कर देंगे तो ये कितने परसेंट आ जाएगा। जी वैसे भी रुक जाइए, केमिस्ट्री तो आईजी की मैंने कल कराई थी, आज तो फिजिक्स की बारी है कि नहीं, केमिस्ट्री आईजी कल की थी ना, तो ये 53.33% है जो कि 53.3% होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास ये। अच्छा आप एक छोटा सा काम जरा इसमें करो अहमद, हमने केमिस्ट्री आईजी की कल कर ली थी यार, आज फिजिक्स की बारी है, कल मैंने केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स ही कराए थे ईयरली के, एक दिन मैथ्स फिजिक्स होती है एक दिन मैथ्स केमिस्ट्री होगी, जैसे कल मैथ्स केमिस्ट्री हुई आज मैथ्स फिजिक्स होगी जी। अब जरा सेवेंथ वाले पे आइए, बस 10 एक मिनट मुझे दीजिए, मैं उसके बाद शुरू करता हूँ, 4:30 तक से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में देखिए, जरा इस पे आओ बच्चों कि आपने स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाना है। कहता है जी कि मैथ्स टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ अ क्लास इज शोन बिलो, 150, 67, 75 ये वो सब, यानी देखिए एक बच्चा है उसने 100 out of 100 लिए, एक ने 50 out of 100 लिए, एक ने 67, एक ने 75, एक ने 89, एक ने 48, एक ने 47, एक ने 76, करते करते एक ने दोबारा फिर 100। तो सबसे पहले तो इसका स्टेम एंड लीफ बनाना है हमें। अब देखिए इसमें की भी आपने बनानी है और स्टेम एंड लीफ, तो जस्ट डू इट एज अ टेस्ट क्विकली, जल्दी कीजिएगा प्लीज, ताकि स्टेम एंड लीफ से कंप्लीटली आपकी जान। बताइए बच्चों,
देखें, मुझे ये बताइए कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट स्कोर क्या है। सी अब तक 50 नजर आ रहा है, ऐसे चेक किया करो, अब तक 48 हो गया लोएस्ट, अब 47 उससे लोएस्ट, तो अब तक 47 लोएस्ट चल रहा है, अब 21 भी आ गया लोएस्ट हो गया एकदम, 33 नहीं होगा, 21 अब तक लोएस्ट चल रहा है, तो इट मींस 21 पूरे डाटा में लोएस्ट, तो ऐसे घुमा के एक दफा देख लेना, 21 है तो की मैं यहां बना दूं कि 2/1 मींस 21 मार्क्स, की समझ आई? So, क्योंकि मोस्टली डबल डिजिट्स हैं, तो देखो 2/1 मींस 21 मार्क्स। अब ये 2 सबसे लोएस्ट है और हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट तो 100 है, तो हम इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये पूरा 10 तक फिल कर लेते हैं, ठीक है जी? बिल्कुल, तो 10/0 का मतलब 100 होगा, क्योंकि इसमें एक फिगर सिर्फ ट्रिपल डिजिट। अच्छा, अब ये जब आप इस तरह मिसाल के तौर पे लिख लेते हैं, तो नाउ व्हाट आर वी गोना डू, अब हमें ये करना चाहिए, ये देखो जरा देखिए, अब 2 वाले कौन कौन से फिगर्स हैं, जरा ये देखते हैं, 20s में कौन कौन है, एक यही है बस, तो बस एक ही है, तो इसको हम लिख देंगे 21, 2/1, 21, कट करते जाओ। अब 3 में कौन कौन है, 30s में, 30s में कौन कौन से स्कोर्स आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, और आई होप आई डोंट मिस समथिंग, तो बस एक ही है, तो ये आ जाएगा 33, ये भी कट गया। फिर 40s में देखिए क्या क्या स्कोर्स आ रहे हैं, एक ये 48 आ रहा है, 47 आ रहा है, अच्छा हाँ 38 भी मैंने मिस कर दिया, सॉरी ये 3 और 8, ये 38 भी मिस हो गया, ठीक है, चले ये तो पूरा हो गया। अब 40s में देखो, ये 48 है, ये 47 है, और ये चले तो इसका, और ये 45 भी, तो 48, 47 और 45 सबसे लोएस्ट, इसमें अब 45, 47, 48, 45, 47, 48। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, 5th में देखिए जरा, 50s में देखो, यहां पे ये 50 है, 51, 53, तो 50, 51, 53, तो 50 के लिए मैं 50, 51 के लिए 1, 53 के लिए 3, तो 50, 51, 53, ये हो गया। आगे अब 60s में देखिए, 67, 67, लाइन बाय लाइन चलते रहो तो कुछ मिस नहीं होता, 67, 64, 69, तो अब इसमें 67 है, 64 है, 69 है, तो 64 पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर 67 दो दफा है, इसको काट देंगे, फिर 69 एक दफा ऐसे आ रहा है, यस। अब क्या किया जाए, सही जा रहे हो अब तक, चले 70s में देखो, ये थोड़ा टाइम लगता है, इतना वैसे लंबा चौड़ा देख नहीं, लेकिन आना चाहिए, 70s में देखो, ये 75 है, 76 है, और 72 है, 70 है, 72 है, इस तरह से, तो अब ये देखिए 76 75 72 70 72, तो फिर सबसे पहले 70 आ जाएगा, फिर 72 दो दफा है, 72 दो दफा आ गया, फिर 75 और 76 है, 75 एंड 76, इस तरह ये लिखते थे, 75 एंड 76 भी गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, 80s में देखो कौन कौन आ रहा है, एक देखिए ये 89 है, देखिए 81 है, 88, 84, 84, 89, इस तरह है, तो 89, 81, 84, 84,
88, 89, तो सबसे पहले 81, ठीक है, फिर उसके बाद 84, 84 आ रहा है, तो 84, 84, और फिर उसके बाद 88, और फिर 89, ठीक है। सही जा रहा हूँ। अच्छा, अब क्या करेंगे, नाइन नाइन में क्या करेंगे, अब हमारे पास आ रहा है ये 95, ठीक है, 95, 90, 91, 96, 98, 98, और तो कोई नहीं, तो 95, 96, अच्छा 90 आ रहा है, तो 90 का 0, फिर 91 ये गया, 95, 96, 95, 96, 289 है, 89 दो कैसे हैं? एक ये वाला है, हाँ दो है, सॉरी 289 का, और 90s, ये 96 तक आ गया, और क्या है, और तो कोई नहीं है ना, ठीक है। और 100 में एक ये 100 है, और एक ये 200 है, 300 है, बल्कि तो 0, 0 और 0, सी 100, 100, 100, नाइन्टी एट मिस हो गया, 98 दिया हुआ इसकी, मेरी इस वक्त आंखें काम नहीं कर रही सही, हाँ 98, सॉरी, तो 98, देखिए 100 भी तो तीन दफा रिपीट हो रहा है ना, 100, 100, 100, तो 10/0 is 100, 10/0 is another 100, 10/0 is a third 100, तो ये इसका आंसर बैक पे ये है, ये इसका स्टेटमेंट लीड है, फाइनल आंसर इसका रिवील होगा। बेशक ले लें इसकी ऊपर, वैसे ही बस पिछला कोई पेज मैंने ऐसे लिखा हुआ, ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा, अब इसके जो अगले पार्ट्स हैं, सी लेट्स गेट दी अगले पार्ट्स भी क्लियर, इससे ताकि ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। कहता है आंसर द फॉलोइंग यूजिंग अ स्टेम एंड लीफ डायग्राम, मुझे बताओ, कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्स आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50 मार्क्स, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्स आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50 मार्क्स, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, कितने बच्चों के कहता है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50 मार्क्स, जरा गिन के बताएं, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50, क्यों जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 में ये लोग नहीं आते, ये सारे नीचे वाले 50 और उससे बड़े, हाउ मेनी, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो 26 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स ग्रेटर देन, सी रेफरेंस आंसर जैसा ही मार्क्स की। अब जरा देखिए बी पार्ट टू पढ़ो, कहता है इफ द पासिंग मार्क इज 50, पासिंग मार्क 50 का यही मतलब है ना कि जी 50 एंड अबव, तो इफ द पासिंग मार्क इज 50, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स पास द टेस्ट, तो मुझे ये बताएं कि हाउ मेनी परसेंट पास इट, तो आप क्या करोगे फिर, अगर पासिंग मार्क 50 है, बाय द वे कितनों ने 50 एंड अबव लिए थे, 26 स्टूडेंट्स ने ना, आउट ऑफ कितने टोटल गिन लो, देखो 26 तो ये वाली वैल्यूज है, 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो टोटल बच्चे 32 है ना क्लास, समझ आ रही है बच्चों,
तो 50 कहता है इफ द पासिंग मार्क इज 50 व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स पास द टेस्ट. तो ये सारे बच्चे हैं ना जिन्होंने टेस्ट पास किए, ये वो पास वाले 26 लोग थे आउट ऑफ 26 ये वाले, और फिर टोटल करने के लिए भी सात एक्स्ट्रा गिन दो, 27, 28, 29, 30, 31, 32, टोटल 32 बच्चे हैं इनटू 100. तो क्या जवाब आएगा 26 बाय 32 इनटू 100, 81.25% बच्चों ने इसका मतलब है कि पास किया उसे. अच्छा अब जरा देखो पार्ट थ्री में, पार्ट थ्री में कहता है द पासिंग मार्क इज 60, हाँ वही, तो थ्री सिग्निफिकेंट तो कर देंगे इसको, 81.3%. कहता है अब सवाल पढ़ो, कहता है इफ द पासिंग मार्क इज 60 व्हाट परसेंट फेल द टेस्ट, इफ द पासिंग मार्क इज 60 व्हाट परसेंट फेल द टेस्ट, तो फेल वाले कितने होंगे. अब अगर 60 हो गए, देखो 60 कहता है अगर पासिंग मार्क 60 है तो इसका मतलब है 60 एंड अबव वाले पास हैं, उससे नीचे वाले तो फेल हैं. अब उसने कहा व्हाट परसेंट फेल द टेस्ट, तो मुझे बताओ कि 60 से नीचे नीचे वाले कितने बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बच्चे हैं जिन्होंने फेल किया. तो परसेंटेज 9 बाय 32, टोटल तो 32 बच्चे हैं इनटू 100. तो मैंने रेफरेंस आंसर्स लिखे हैं साथ वैसे ही जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस. तो फिर कितने परसेंट फेल्ड इट, क्यों बच्चों यहां तक क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, तो ये आपका आंसर है. अच्छा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये एज अ टेस्ट कर लेना, ये चलो इसे कल कंप्लीट कर लेंगे. आप लोग 2 मिनट का सांस लें फिर जरा फिजिक्स निकालें. इसमें मैंने एक बॉक्स एंड विस्कस डायग्राम है वो मैं कल फिर आपके साथ करता हूँ, वो छोटा सा काम है जो भी हो जाएगा. ठीक है, ये सब कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में. प्रीवियस पेज कह रहे ये वाला, प्रीवियस टेबल लीफ डायग्राम, जी मैं वही करने लगा. चलिए बच्चों ये तो हो गया आपका मैप्स में. आपको थोड़ा सा पहले लॉजिक गेट्स के कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करा लूं ताकि आपसे फिर एमसीक्यू थी जो भी हो वो हो जाए. ये भी मैंने जरा इकट्ठे किए हुए हैं आपको लॉजिक गेट्स कराने के लिए. अरे अब ये जो, अच्छा बच्चों सर आइए, अब सारे ये जो फिजिक्स आईजी वाले हैं इनको मैं थोड़ी सी जरा पहले प्रैक्टिस आपको आज दे दूं ये लॉजिक गेट्स, और उसके बाद मैं वो मोमेंटम का टॉपिक जरा कंटिन्यू करता हूँ. तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर ईयरली की प्रॉब्लम्स तो एमसीक्यूज ही जल्दी हो जाएंगे. तो अब से मैं जब एक ईयरली मैंने कर लिया हुआ ना आपके साथ, तो नाउ आई विल जस्ट
गेट टू द प्रॉब्लम्स मेनली, और मैंने आपको जो बार बार कहा है फिजिक्स हो रही है जी, कल केमिस्ट्री होगी थी हमारी, आज फिजिक्स है, फिर कल दोबारा मैथ्स केमिस्ट्री होगी। तो ये आप लोगों ने ऐसे जी, अगर आप लोग लिखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर लॉजिक गेट्स, जो हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला सवाल, अब आप लोगों ने लॉजिक गेट्स याद तो कर लिए हुए, ठीक है, देखिए सबसे पहले वो कहता है कि नेम द लॉजिक गेट शोन, अक्सर एमसीक्यू ऐसा आता है। अब ये मैंने इसको थ्योरी स्टाइल से बनाया हुआ है, लेकिन ये बेसिकली सवाल है, एमसीक्यूज ही है, एमसीक्यू थ्योरी कहीं भी आ सकती है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा लॉजिक गेट है जो शो किया हुआ है, बताइए। देखिए आपको याद है कि ये सिंबल किस गेट का होता था, सिर्फ इधर तक, रिस्पॉन्ड प्लीज। ये और गेट था, ये जो खाली सिंबल है, बट उसके आगे ये नॉट सा भी लगा हो तो फिर ये कौन सा गेट बन जाता है, दिस इज नॉर गेट। तो एक एमसीक्यू तो ये आता है, जैसे आपने 2020 में देखा भी था, याद है, नहीं ये IGCSE फिजिक्स का भी एक टॉपिक है। तो ये नॉर गेट है, नॉर गेट की शक्ल है, ठीक है जी। अच्छा, अब वो कहता है कि फिल अप द ट्रूथ टेबल ऑफ द गेट शोन। तो अब आपको कई दफा वो एमसीक्यू में कहता है कि जी इस गेट को पहचानो, या नाम दे के बोलेगा कौन सा शक्ल इस गेट की है। चलिए देखते हैं, देखिए आपके जो ईयरलीज में स्कोर है ना जी, उस पे रिलाई करें, वो आपका असली परफॉर्मेंस है। स्कूल्स के जो मॉक्स हैं वो थोड़े अनबैलेंस भी होते हैं, उसमें कुछ पोर्शन ज्यादा डाल देते हैं, कुछ कम डाल देते हैं, कुछ दूसरे वेरिएंट से सवाल उठा के डाल देते हैं। आपका जो ईयरलीज का एवरेज है वो आपको बताएगा हु यू एक्चुअली, वेयर यू एक्चुअली स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि फिल अप द ट्रूथ टेबल ऑफ द गेट अबव। मुझे बताएं नॉर गेट में मैंने आपको क्या कहा था, याद है कि दिस इज नॉट और गेट। नॉर को हम ब्रेक डाउन अगर करें तो एन फॉर नॉट एंड ओ फॉर और गेट, यानी जो और गेट में हरकत होगी, नॉट गेट का काम क्या है, उसे हमेशा ऑपोजिट करना। और गेट में आपको याद है हम इनपुट्स को क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी से याद किया हुआ है, ऐड करते हैं। तो जो ए प्लस बी का जवाब आएगा उसको हम ऑपोजिट कर देंगे तो नॉर गेट की परफॉर्मेंस आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए ये नॉर गेट पहचान लिया, अब अगर गेट ही गलत पहचानोगे तो आपकी आउटपुट सी सारा गलत फिल हो जाएगा। तो बताइए जीरो प्लस जीरो का इनपुट हो तो आउटपुट भी जीरो आता है, बट नॉट गेट उसे क्या बना देगा, उसे वन बना देगा, याद आ रहा है। आप सिर्फ बस अपने आंसर फिलिंग करो। इसी तरह वन जीरो हो तो वन प्लस जीरो का इनपुट होता है वन, बट ये उसे ऑपोजिट कर देगा जीरो, नॉट और गेट है ना ये। इसी तरह अब जीरो प्लस वन इज अ वन, बट नॉट गेट उसे जीरो कर देगा, सॉरी, ठीक है। इसी तरह वन प्लस वन इज अ वन, बट नॉट गेट उसे जीरो कर देगा। तो ये इसकी फिलिंग होगी वन, ये वाली। तो अगर करेक्ट है तो हर फिलिंग का एक मार्क होता है, ठीक है, समझ आ गई सबको। अब क्वेश्चन नंबर टू में देखो, कहता है ड्रॉ द सिंबल फॉर द एंड गेट। अच्छा, अब मुझे बताएं कि हम एंड गेट का सिंबल कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर टू का एक आंसर दे रहा हूं। एंड में मैंने आपको क्या कहा था, एंड का वो जो डी की शक्ल है, याद है, एंड के डी की शक्ल है, उस तरह का आपने बनाना है। ये उसमें इनपुट्स होते हैं ए एंड बी, ये सी उसका आउटपुट है, दिस इज एंड गेट। बी पार्ट में कहता है क्वेश्चन नंबर टू के, ड्रॉ इट्स ट्रूथ टेबल बिलो। तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल कैसे होता है ए बी एंड सी के लिए। एंड गेट में यू रिमेम्बर के प्रोबेबिलिटी की तरह इनपुट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है टू गेट द आउटपुट ए इनटू बी इक्वल्स टू सी। नाउ टेल मी के इनपुट्स तो वंस एंड जीरोस की फॉर्म में होते हैं, तो अगर इनपुट जीरो हो, ये भी जीरो हो, तो जीरो इंटू जीरो इज अ जीरो। फिर अगर ये वन जीरो हो तो वन इंटू जीरो इज अ जीरो। फिर अगर ये जीरो वन हो तो जीरो इंटू वन इज अ जीरो। फिर अगर ये वन हो तो वन इंटू वन इज अ वन। ये आपके पास एंड गेट का वो बन जाएगा।
यस। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आइए, सीधे सीधे सवाल और जवाब होंगे, अब मैं इसको कॉम्प्लिकेट करता जाऊंगा इस तरह। देखिए कहता है द ट्रूथ टेबल, थर्ड क्वेश्चन, द ट्रूथ टेबल ऑफ अ लॉजिक गेट इज शोन बिलो फॉर इनपुट्स ए एंड बी एंड आउटपुट सी। ये ट्रूथ टेबल दिखाया हुआ है। कहता है स्टेट द टाइप ऑफ दिस गेट। अब अगर ट्रूथ टेबल दे दे तो उसका रिवर्स कर रहा है। प्रीवियस पेज ये क्वेश्चन नंबर टू के स्क्रीनशॉट्स ले लें बेशक, आप बाद में और रेफरेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पहला पेज था, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लें आप। दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है द ट्रूथ टेबल ऑफ अ लॉजिक गेट इज शोन बिलो फॉर इनपुट्स ए एंड बी एंड आउटपुट सी। कहता है जी दो इनपुट्स हैं ए एंड बी और आउटपुट आ रहा है सी। कहता है स्टेट द टाइप ऑफ दिस गेट। क्या लगता है आपको, ये गौर से जरा ऑब्जर्व करिए कि ये कौन सा गेट आपको लग रहा है, क्यों जी? इधर देखें, देखो आप एक इस पे ट्रायल्स लगा लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम जरा इस पे ट्रायल्स लगा लेते हैं। इसने जो ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, जरा एक मिनट देखो, कहता है कि जी ये आपने इस तरह का एक ट्रूथ टेबल गिवन है, यानी देखिए जीरो जीरो का आंसर आ रहा है वन, फिर ये जीरो वन का आंसर आ रहा है वन, फिर ये वन जीरो का आंसर आ रहा है वन, और वन वन का आंसर आ रहा है जीरो। जरा गौर से देखिए, चलिए जवाब तो काफी होगा, ठीक है, लेकिन एक बार जरा चेक कर लेते हैं। लेट्स पुट इट टू द टेस्ट ऑफ और गेट। पहले और गेट में करते हैं जिसमें ए प्लस बी किया जाता है। देखो जीरो प्लस जीरो तो जीरो होना चाहिए, तो ये कम से कम और गेट तो नहीं, ठीक है जी। एंड गेट पे ट्राई मारते हैं इसे, एंड में मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए जीरो इंटू जीरो शुड बी अ जीरो, जीरो इंटू वन इज अ जीरो, तो ये तो उलट आ रहे हैं, तो एकदम समझ आ रही है। फिर वन इंटू जीरो का आंसर जीरो आता है, ये तो वन आ रहा है। वन इंटू वन वन आना चाहिए बट ये तो जीरो आ रहा है, तो एकदम मुझे समझ आ गई कि यार ये एंड गेट का ऑपोजिट नहीं हो रहा, तो फिर ये कौन सा गेट है? शुडंट दिस बी अ नैंड गेट? समझ आ रही है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। के देखिए ए प्लस बी, अच्छा आप कह सकते हो सर ये नॉर गेट भी तो हो सकता था, तो नॉर में तो ए प्लस बी का रिवर्स होना चाहिए। देखिए जीरो प्लस जीरो शुड बी अ जीरो प्लस जीरो शुड बी अ जीरो, जीरो का ऑपोजिट वन, चलो यहां तक तो प्रूफ स्टैंड कर रहा है। बट आगे देखो जीरो प्लस वन का वन होता है, तो वो ऑपोजिट तो नहीं हो रहा, समझ रहे हैं? वो तो वन ही आ रहा है। वन प्लस जीरो वन आता है, तो वन ही आ रहा है, तो ऑपोजिट तो हो नहीं रहा कि ये नॉर गेट हो, तो इससे समझ आई कि ये कंफर्म नैंड गेट है। बिल्कुल क्लियर है जी, तो दिस इज अ नैंड गेट बेसिकली, अग्रीड? अच्छा अब अगर ये नैंड गेट है तो जरा आइए अगले उस पे। अब वो कहता है बी पार्ट में कि ड्रॉ इट्स सिंबल, तो नैंड गेट का सिंबल कैसे बनाएंगे? फिर एंड गेट के साथ नॉट लग जाएगा, एंड दिस इज नैंड गेट इन विच इनपुट्स आर ए बी एंड दिस इज सी। यू गेट इट बच्चों?
तो नैंड गेट का ये थ्री का ए आंसर होगा नैंड गेट, और बी पार्ट में उसका सिंबल ये बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स बहुत फ्रीक्वेंटली वो आपसे पूछता रहेगा। जरा आइए अब इस वाले पे। ये बड़ा मजे का एक क्वेश्चन है जी, इससे आपको ना सारी लॉजिक गेट्स की क्लैरिटी मिल जाएगी। जरा बताइए जी, दिस इज ओनली फॉर आईजीसीसी। क्यों जी? जरा एक बात बताओ कि वो हमें कहता है कि जी ये एक पूरा सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिखाया हुआ है, आपने कंप्लीट करना है ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट्स। ये एक लॉजिक सर्किट है, आपने इसका ट्रूथ टेबल फिलअप करना है। 8 मार्क्स का है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 मार्क एक फिलिंग का है। तो जरा आप लोग सोचिए कि आपका इसमें क्या करना पड़ेगा। बहुत आसान सवाल है, मैं आपको इसकी एक बड़ी इजीएस्ट ट्रिक बताता हूं। कितनों से ये सवाल नहीं हो रहा बताइए। चलिए देखो यार, अब आपने ना इसमें करना क्या है, बहुत आसान बात। वॉच, सबसे पहला काम जब आपने जब भी ट्रूथ टेबल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के फिल करने हो, पहले तो पहचानिए कि कौन कौन से गेट्स इन्वॉल्व है। मुफ्त के 8 नंबर हैं जी, ये एक पास पेपर का सवाल है। देखो आपको समझ आ रही है कि ये कौन सा गेट है? ये और गेट है, ऐसे ही है, दिस इज और गेट। ये कौन सा गेट है? ट्रायंगल के आगे नॉट, ये तो आपका हो गया नॉट गेट, ठीक है। और ये जो डी शक्ल का होता है, देखो इसको हम न्यू याद रखें कि ये इस आर का ये आउटर बेली है, डी का ये है, तो ये एंड गेट है। तो ये तो हमें समझ आ गया, इसको पहले लेबल कर लेते। दिस इज और गेट, दिस इज नॉट गेट, दिस इज एंड गेट, ऐसे ही है। जरा गौर से देखना, एक मिनट सुनो। सबसे पहले तो नॉट वाले को फिल ना कर ले, बहुत आसान है। नॉट का तो एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। जरा अल्फाबेट्स में बताइए, ये जिन्हें कंफ्यूजन हो रही थी, नॉट गेट का इनपुट कौन है? नॉट गेट का इनपुट कौन है? बी। दिस इज द इनपुट ऑफ द नॉट गेट। नॉट को सबसे पहले सॉल्व कर लिया करो, ये नॉट गेट है, ठीक। और इसका आउटपुट कौन है? इस नॉट गेट का आउटपुट कौन सा अल्फाबेट है? डी। तो मैं सबसे पहले इन दोनों का कनेक्शन देख लेता हूं, बाकी सब भूल जाओ, कि नहीं आसान हुआ कि नहीं? अब नॉट गेट क्या करता है? जो इनपुट सिग्नल उसे मिलता है उसका उलट कर देता है। जी मोमेंटम में कराऊंगा था अभी, बस ये थोड़ा सा लॉजिक गेट्स पक्का करके फिर मोमेंटम पे चले जाएंगे, वो भी बहुत बच्चों वाला टॉपिक। ये मैं इसलिए एंड पे कर रहा हूँ ना ताकि ये फ्रेश रहे, ये हर साल मैं ऐसे ही करता हूँ कि ये एंड पे रहता है तो दिमाग में फ्रेश रहता है। डी जा रहा है, डी इनपुट है नॉट गेट का और डी आउटपुट है, तो ये उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं कर देगा। तो देखिए, अब बी का जब जीरो था इनपुट, ये तो देखो बी का जब जीरो इनपुट था तो डी का इनपुट क्या आ रहा है? देखो उसने खुद फिल किया हुआ है 1 ऑपोजिट। अब जब बी का इनपुट 1 दोगे
तो नॉट गेट उसे क्या बना देगा डी की फॉर्म में, उसे जीरो बना देगा, समझ रहे हो? तो ये फिलिंग होगी, टिक मार्क। फिर इसी तरह देखो, अब नॉट गेट का इनपुट जीरो है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वन, समझ आ रही है? अब नॉट गेट उल्टा कर देते, तो बी और डी, क्योंकि बी इज द इनपुट, डी इज द आउटपुट, तो जस्ट लिंक बी एंड डी। और इधर देखो वन का ऑपोजिट जीरो ऑलरेडी फिल्ड है, तो दो नंबर तो ये हासिल हो गए। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ कि हम इस और गेट की फिलिंग दूसरे नंबर पे करते हैं, एंड तो तीसरे पे आएगा ना, क्योंकि हमें डीज और सीज पता चल जाए पहले पूरे, सी फिल हो जाए। देखो सी इज द इनपुट ऑफ एंड गेट एंड डी इज द इनपुट ऑफ एंड गेट, तो पहले सी का खाना फिल हो, फिर हम ई कर पाएंगे। नाउ लेट्स गेट टू दिस और गेट। अच्छा गौर से सुनना एक बात, देखिए ये सिग्नल बी का इसको भी जा रहा है और ये इधर से ब्रांच हुआ हुआ है और इसको भी जा रहा है, तो टेल मी क्या मैं इस सिग्नल को बी कह सकता हूं? देखो ना, बी अगर इसको भी जा रहा है तो ये ब्रांच लगी हुई है, तो बी का सिग्नल, जो सिग्नल बी का इसको मिल रहा है वही सिग्नल बी का और गेट को भी मिल रहा है, तो मैं इधर खुद से फिर लेबलिंग कर सकता हूं कि इसका मतलब है कि ये जो सिग्नल इनपुट है ये भी बी वाला ही है, जो ये बी था वही बी ये होगा, क्या ख्याल? तो अब तो कहानी आसान नहीं होगी। अब और गेट के इनपुट्स हैं ए एंड बी, और पुट के और गेट के इनपुट्स हैं ए एंड बी, और आउटपुट उसका कौन है, सी। तो आप इधर से ए एंड बी और आउटपुट सी, इनको अब लिंक करो। व्हाट हैपेंस इन और गेट, इनपुट ए एंड बी आर एडेड टू गेट सी, याद है? तो क्या मुश्किल थी, अब क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, जिनको कंफ्यूजन थी अब आसान नहीं हो गया? तो वही बी का सिग्नल जो इस नॉट को मिलेगा, वही बी का सिग्नल इधर भी मिल रहा है, तो इधर बी लेबल करो। हाँ, तो ये आसान तरीन बात थी, बस थोड़ा अकल से सोचेंगे। तो ये इनपुट ए बी और गेट को मिलेगा तो इसका आउटपुट सी होगा, तो अब ए बी का और वाले से सी निकालते जाओ, और में ऐड होता है ना, तो जीरो प्लस जीरो इज अ जीरो, पहले से गिवन है, जीरो प्लस वन इज अ वन, ये हमने फिल कर दिया, वन प्लस जीरो इज अ वन, ये हमने फिल कर दिया, वन प्लस वन इज अ वन, ये फिल कर, ठीक है? क्यों जी, अब गौर कीजिए कि ये सी का टेबल भी फिल हो गया, डी भी। अब एंड गेट के इनपुट्स कौन है, सी, एक इनपुट एंड गेट का सी है और एक इनपुट एंड गेट का डी है, एंड दे आर गिविंग यू आउटपुट ई। टेल मी बच्चों के ई सी एंड डी से ई मिलने वाला है, तो अब सी एंड डी से, सी एंड डी से ई मिलने वाला है। एंड गेट क्या करता है, सी इंटू डी को इक्वल टू ई करता है कि नहीं, तो सी इंटू डी जीरो वन टाइम्स, अब देखो पहले से जो फिलिंग्स हैं वो आगे हेल्प होंगे, जीरो वन टाइम्स जीरो, वन जीरो टाइम्स जीरो, वन वन टाइम्स वन, वन जीरो टाइम्स जीरो, तो ये तीन फिलिंग भी हो गए। ये जाने दें कि वो ऑन होगा या ऑफ, मैं सिर्फ टेबल फिलिंग करा रहा हूं, ऑन ऑफ पे आता हूं, टेबल फिलिंग भी क्लियर हो गई, तो हर एस्पेक्ट कवर कर रहा हूं, देखें इन क्वेश्चंस में, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बोलो भाई, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ, जिन्हें कंफ्यूजन थी जरा वो लोग बताएं। तो सी इट्स एज इजी एज एबीसी। अब आ जाइए अगली कहानी पे। ये क्वेश्चन बड़ा मजे का है। तो देखो, अच्छा मैंने आप लोगों को जब लॉजिक गेट्स समझाया था तो आई टोल्ड यू समथिंग कि जी लॉजिक गेट्स में ये जीरो का फिगर, वैसे जीरो का फिगर टेम्परेचर वाइज हाई के डिजिट को इंडिकेट करता है या लो को। अगर हम टेम्परेचर की क्वेश्चनों में टेम्परेचर का जिक्र करेंगे तो टेम्परेचर के जिक्र में जीरो का फिगर मतलब होगा लो, क्योंकि लो वैल्यू, वन वुड मीन हाई, यानी टेम्परेचर हाई है। जब वो क्वेश्चन में बोलेगा ना टेम्परेचर इज हाई, तो हम इनपुट सिग्नल वन देंगे, समझो इसे, हाई है तो हम इनपुट सिग्नल वन देंगे और टेम्परेचर लो है तो हम इनपुट सिग्नल
क्या देंगे? जीरो. ठीक है, क्लियर है. अच्छा, इसी तरह से प्रेशर में भी जीरो का फिगर वुड मीन लो एंड वन का फिगर वुड मीन हाई प्रेशर. तो अगर वो हाई प्रेशर का जिक्र करे तो आप इनपुट सिग्नल वन इमेजिन करें. अगर वो कहे प्रेशर लो रखना है तो फिर इनपुट सिग्नल जीरो देंगे. समझ रहे हो? और इन टर्म्स ऑफ लैंप जब बात हो तो ऑन के लिए वन होता है और ऑफ के लिए जीरो होता है. तो यही फिगर्स हम ऐसे भी ले सकते हैं. ये बात जहन में रखकर चलो इस क्वेश्चन फाइव पे. टेल मी बच्चों, क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए क्या कहता है. कहता है फिगर फाइव शोज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंट्रोलिंग एन इलेक्ट्रिक बेल. कहते हैं एक डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम है ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंट्रोलिंग एन इलेक्ट्रिक बेल. इलेक्ट्रिक बेल को ये कंट्रोल कर रहा है. देखो यहां लाइट सेंसर लगा हुआ है, ये टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है और यहां बेल लगी हुई जो कंट्रोल हो रही है. सबसे पहले तो वो कहता है कि स्टेट द नेम्स ऑफ द लॉजिक गेट एक्स एंड वाई. लॉजिक गेट एक्स एंड वाई का नाम क्या होगा बताइए. तो X जो है वो कौन सा गेट है? ये तो नॉट गेट है. ठीक है, और Y कौन सा है? वो D की शक्ल है, तो दिस इज एंड गेट. ठीक, ये तो आपको सीधे सीधे एक एक मार्क ये मिल गया. तो MCQs में भी इसी तरह करता है. अब B पार्ट पे आओ जरा. B में कहता है द आउटपुट ऑफ द टेम्परेचर सेंसर. आउटपुट ऑफ द टेम्परेचर सेंसर यानी ये जो टेम्परेचर सेंसर से जो बाहर कहता है इट इज हाई व्हेन इट डिटेक्ट्स रेज्ड टेम्परेचर. ठीक है, सॉरी टेम्परेचर सेंसर ये टेम्परेचर सेंसर का कहता है आउटपुट जो है वो हाई होता है व्हेन इट डिटेक्ट्स रेज्ड टेम्परेचर. तो मैंने अभी क्या कहा था आपको कि टेम्परेचर ज्यादा हो तो फिर हाई की बात होगी और इनपुट सिग्नल कितना लेंगे उसका. और कहता है कि द आउटपुट ऑफ द लाइट सेंसर, कहते हैं जो लाइट सेंसर से तार आ रही है दिस इज हाई व्हेन इट डिटेक्ट्स रेज्ड लाइट लेवल्स. रेज्ड लाइट लेवल्स यानी देखें कहता है जब ये लाइट सेंसर बहुत ज्यादा रोशनी कैच करता है तो इसका आउटपुट जो लाइट सेंसर का होगा वो हाई हो जाएगा और जब टेम्परेचर सेंसर रेज्ड टेम्परेचर फील करेगा तो आउटपुट इसका हाई हो जाएगा. वो हमें भी पता है कि नहीं, बस एक चीज क्लियर कर रहा हूं. तो वो कहता है स्टेट द आउटपुट्स एक्स एंड वाई व्हेन सराउंडिंग्स आर डार्क एंड वार्म, डार्क एंड कोल्ड, ब्राइट एंड कोल्ड. क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहले वो कहता है कि जी डार्क एंड वार्म, मुझे बताएं ये डार्कनेस का और ब्राइटनेस का ताल्लुक, डार्कनेस और ब्राइटनेस का ताल्लुक लाइट सेंसर के साथ है या टेम्परेचर सेंसर के साथ? बताना, लाइट सेंसर के साथ. तो जब डार्क होगा, ये देखिए लाइट जब डार्क होगी सराउंडिंग्स में, जब लाइट कम होगी तो लाइट सेंसर कैसा होगा? विल इट गिव यू अ लो सिग्नल या अ हाई सिग्नल? डार्क होगा तो ये तो लो देगा, बिल्कुल सही है. और लो का मतलब है कि इनपुट कितना होगा? जीरो. आसान लग रहा है. इसी तरह जरा ये देखिए वार्म जब होगा, जब वार्मथ होगी तो वार्म का क्या मतलब है कि वार्मथ या कोल्डनेस का ताल्लुक तो इस टेम्परेचर सेंसर के साथ है. तो सोचो जब ये वार्म होगा सराउंडिंग्स, जब वार्म होंगी तो वार्म का मतलब है कि ये आपको आउटपुट देगा कैसा? हाई. हाई मींस सॉरी कितना?
हाई मीन्स वन, यस। तो आपको हर सिचुएशन पहले इसकी बात कर रहे हैं, कहता है जी कि स्टेट द आउटपुट्स एक्स एंड वाई, कहता है बताओ ये एक्स और ये वाई पे क्या आउटपुट्स आएंगे अगर डार्क एंड वार्म सराउंडिंग्स हो। डार्क होंगी तो आपको लाइट सेंसर लो का सिग्नल यानी जीरो देगा, और फिर जब वार्म होगा तो वार्म का मतलब है कि टेम्परेचर सेंसर आपको हाई सिग्नल देगा यानी वन का। तो अब बताइए कि देखिए वन, अच्छा अब आउटपुट एक्स क्या होगा, जब आप वन देंगे तो एक्स क्या कर देगा उसको आउटपुट पे, इधर क्या कर देगा, वन का ऑपोजिट ले लेगा जीरो, तो आउटपुट ऑफ एक्स हो जाएगा कितना, जीरो। यस, तो सी जब एक्स पे आउटपुट देखेंगे वन इनपुट मिल रहा है तो नॉट गेट क्या करता है, एक्स इज नॉट गेट, तो एक्स पे आउटपुट क्या निकलेगा, ये जीरो निकल आएगा, ऐसे ही वन का ऑपोजिट जीरो। और वाई पे अब क्या होगा, देखो अब यहां से भी लो का सिग्नल मिल रहा है जीरो का, और इधर से भी जीरो का इनपुट मिल रहा है एंड गेट को, तो वाई पे क्या आउटपुट आएगा, एंड गेट इस जीरो और इस जीरो दोनों को जीरो इंटू जीरो, यानी ये आउटपुट वाई भी, आउटपुट ऑफ वाई भी जीरो आएगा, ऐसा ही है। और मुझे बताओ जब आउटपुट जीरो आए तो क्या ये बेल ऑफ रहेगी या ऑन, क्यों बच्चों अब आसान लग रहा है, तो आप जरा टेस्ट के तौर पे ये वाला केस करो कि स्टेट द आउटपुट्स एक्स एंड वाई व्हेन द सराउंडिंग्स आर डार्क एंड कोल्ड, रीटेस्ट करें खुद को, डार्क एंड कोल्ड है, अभी हर दफा ये सिग्नल आपने बदल बदल के करना, तो बताइए अब अगर डार्क एंड कोल्ड हो तो आउटपुट एक्स एंड वाई क्या आएंगे। अच्छा आप देखें डार्क है तो इधर इनपुट क्या मिलेगा, जीरो, डार्क है ना तो इनपुट डायरेक्ट लिखो लो, इनपुट जीरो है, ऐसे ही। और कोल्ड है, टेम्परेचर सेंसर भी जीरो देगा, लाइट सेंसर भी जीरो इनपुट दे रहा है, टेम्परेचर सेंसर भी इसको जीरो इनपुट दे रहा है, तो जीरो इनपुट मिलेगा तो नॉट गेट उसे क्या बना देगा, आउटपुट ऑफ एक्स कितना होगा, जीरो इनपुट मिल रहा है तो आउटपुट एक्स तो वन हो जाएगा, नॉट ऑपोजिट कर देता है, एक्स पे तो वन आएगा, आर यू गेटिंग मी। एंड अब गौर से देखो, अब जब यहां से जीरो गया इसने वन कर दिया, तो अब इधर से देखिए लाइट सेंसर तो डायरेक्ट एंड गेट से कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है, तो जीरो और वन क्या बनाएगा, एंड गेट क्या करेगा इसे, जीरो वन टाइम्स जीरो, आउटपुट ऑफ वाई क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो आउटपुट वाई विल बी जीरो, और आउटपुट ऑफ वाई जीरो है तो बेल अभी भी स्विच्ड ऑफ ही रहेगी, समझ रहे क्या है यार, तो समझ आ रही है हाउ डू वी सॉल्व ऑल दिस, थोड़ा गंद मच गया लेकिन चले। अब जरा देखिए ये अब आप फाइनली टेस्ट के तौर पे करें, ब्राइट एंड कोल्ड, अब अगर ब्राइट एंड कोल्ड हो, ब्राइट का मतलब है कि लाइट सेंसर दे रहा है वन का इनपुट, ब्राइट मींस लाइट ज्यादा है वन, और ब्राइट एंड कोल्ड है ना तो कोल्ड का मतलब है कि टेम्परेचर सेंसर इनपुट दे रहा है जीरो का। सबसे पहले नॉट गेट को किया करें क्योंकि सिंगल होता है, तो नॉट गेट जीरो को क्या बना देगा, यहां से ऑपोजिट वन, तो आउटपुट ऑफ एक्स तो आ जाएगा वन। अब चेक करो वन, इधर से भी वन का सिग्नल डायरेक्ट मिल रहा है और इधर से तो ऑपोजिट होके वन मिल रहा है, तो वन वन टाइम्स, यहाँ आउटपुट ऑफ वाई भी वन होगा, और अगर आउटपुट ऑफ वाई वन आ जाता है तो अब दिस बेल विल व्हाट, इट विल स्टार्ट रिंगिंग, यहाँ लैंप लगा होता तो आप कहते हैं इट विल स्विच ऑन, बेल है तो इट विल स्टार्ट रिंगिंग, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस तरह काम कर, क्यों भाई, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आइए जरा, ये जरा पढ़ो सारा लास्ट क्वेश्चन है,
इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हाउ डू यू अटेम्प्ट दिस वन, प्रीवियस पेज ये वाला आंसर था बच्चों, ये अब लॉजिक गेट्स बच्चों वाला काम नहीं लग रहा वैसे, बस वंस एंड जीरोस के साथ खेलना है और आपको बेसिक गेट्स याद रहने चाहिए। एक ही बंदे को लगता है आसान लगा, बाकी सब नाउ लेट्स गेट टू दिस वन जी। इसमें देखिए जल्दी से कि कहता है केमिकल प्रोसेस है, इट रिक्वायर्स हीटिंग एट लो प्रेशर टू वर्क करेक्टली। व्हेन द हीटर इज वर्किंग द आउटपुट ऑफ अ टेम्परेचर सेंसर इज हाई। हीटर जब काम करेगा तो जाहिर है टेम्परेचर सेंसर का आउटपुट हाई होगा, ठीक है। व्हेन द प्रेशर इज लो, अ प्रेशर सेंसर हैज अ लो आउटपुट, ये भी हमें पता है। कहता है बोथ आउटपुट्स आर फेड इनटू अ नॉर गेट, बोथ आउटपुट्स आर फेड इनटू अ नॉर गेट, यानी नॉर गेट इसमें हम यूज कर रहे हैं और ये दोनों इनपुट्स प्रेशर और टेम्परेचर का इनपुट्स उसे मिलते हैं। कहता है अ हाई आउटपुट फ्रॉम द गेट स्विचेस ऑन एन इंडिकेटर लैम्प, हाई आउटपुट फ्रॉम द गेट, ये नॉर गेट से स्विचेस ऑन एन इंडिकेटर लैम्प। कहता है स्टेट वेदर द लैम्प इज ऑन और ऑफ इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। भाई लोग सबसे पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए कि देखो यहां से दो इनपुट्स उसे मिल रहे हैं, एक टेम्परेचर का और एक प्रेशर का, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर का इनपुट मिल रहा है और आगे कौन सा, कहते हैं दे बोथ आर फेड इनटू अ नॉर गेट, समझ रहे हो। ये सारे सिचुएशन समझा रहा है कि केमिकल प्रोसेस है, इट रिक्वायर्स हीटिंग एट लो प्रेशर एंड वर्क करेक्टली। व्हेन द हीटर इज वर्किंग द आउटपुट ऑफ द टेम्परेचर सेंसर, यानी दो फैक्टर्स हैं इसमें, टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो बोथ आउटपुट्स कहता है आर फेड इनटू अ नॉर गेट। तो मुझे ये बताइए कि जब इसे नॉर गेट में फीड किया गया, नॉर गेट सॉरी क्या होता है, इट इज नॉट ऑर गेट, ऐसी शक्ल होती है, और गेट के आगे नॉट लगा होता है, और ये लगा हुआ है वो इंडिकेटर लैंप। ये इसकी तस्वीर आप खुद से स्केच आउट यूं कर लेते हैं, तो सी दिस इज अ नॉर गेट नॉट और गेट, ऐसे ही। तो उस पूरी तस्वीर से ये शक्ल बनाने को कह रहा था वो कि देखिए जो टेम्परेचर और प्रेशर के इनपुट्स हैं ये इस नॉर गेट में फीड हो रहे हैं और आउटपुट कहता है कि इंडिकेटर लैंप, ये सर्किट आप बना लोगे। अब इस पिक्चर को यूज करो, कहता है स्टेट वेदर द लैंप इज ऑन और ऑफ इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इधर देखो जरा क्या सिचुएशन है, पहली कि द प्रेशर इज लो इनफ, प्रेशर अगर लो है, सिचुएशन वन की बात कर रहा हूं, प्रेशर अगर लो है, जवाब देते जाओ, प्रेशर अगर लो है तो इसका इनपुट कितना होगा, जीरो, यस। प्रेशर अगर लो है तो इनपुट, जवाब दो ना भाई, जीरो होगा। बट द हीटर स्टॉप्स वर्किंग, हीटर स्टॉप्स वर्किंग का क्या मतलब है कि टेम्परेचर इनपुट भी क्या मिल रहा है, जीरो। सिचुएशन वन की तस्वीर बना रहा हूं, समझ रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सिचुएशन वन राइट नाउ। आपने सिर्फ बताना लैंप ऑन हो गया ऑफ, तो प्रेशर इज लो मतलब प्रेशर इनपुट जीरो, हीटर स्टॉप्स वर्किंग मतलब टेम्परेचर जीरो। नॉर गेट क्या करता है, ये नॉट और गेट है, यानी जो और गेट करता है ए प्लस बी, ये उसका ऑपोजिट कर देता है, क्या नहीं, जरा बताओ जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो, और गेट तो ये करता है जीरो प्लस जीरो जीरो, बट जीरो का ऑपोजिट नॉर गेट क्या कर देगा, वन।
तो वन हो तो लैंप क्या करेगा, लैंप ऑन होगा। तो सिचुएशन वन में लैंप ऑन हो जाएगा, क्या ख्याल है? टू वाले पे आओ, इजी लगी बात करनी। टू में कहता है देखिए, अब जरा मैं सिचुएशन टू के लिए बना रहा हूं, तो ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है। अब वो कहता है द हीटर इज वर्किंग, क्या ख्याल है? हीटर अगर वर्क करे तो टेम्परेचर इनपुट कितना होगा? वन। हीटर वर्किंग मतलब टेम्परेचर वन मिल रहा है, एंड द प्रेशर राइजेस टू हाई। प्रेशर अगर हाई हो गया तो फिर प्रेशर इनपुट भी कितना है? वन। तो ये नॉर गेट क्या करेगा? अब ए प्लस बी का ऑपोजिट करेगा, और गेट जो करता है उसका ऑपोजिट कर देगा, क्योंकि नॉट और गेट है ना। तो वन प्लस वन इज अ वन, वन का ऑपोजिट जीरो। तो आपका ये लैंप सिचुएशन टू में लैंप क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। अग्रीड? तो ये कहानी बन रही थी। अच्छा, थर्ड वाला जरा आप एज अ टेस्ट कीजिए, थर्ड सिचुएशन में। थर्ड सिचुएशन में व्हाट आर यू गोना डू? कहता है द हीटर इज वर्किंग, तो टेम्परेचर इनपुट वन ही है। अब मैं थर्ड की बात करने लगा, इसी पे चेंजिंग करता हूं। हीटर इज वर्किंग यानी टेम्परेचर इनपुट वन है, बट द प्रेशर इज टू लो, तो प्रेशर इनपुट जीरो आ गया, कि नहीं? प्रेशर इनपुट जीरो आ गया। और गेट क्या करता है? वन प्लस जीरो करता है, वन। बट नॉर क्या करेगा? उसको ऑपोजिट कर देगा, तो ये जीरो आ जाएगा। जीरो मींस कि इंडिकेटर लैंप थर्ड सिचुएशन में ऑफ रहेगा। तो यार अब तो एमसीक्यूज आपके लिए इंशाल्लाह इसके मजाक में, ठीक है। आई होप इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस सवाल पढ़िए तो बाकी तो कहानी के साथ। जरा भाई मोमेंटम, एक छोटा सा टॉपिक था हमारा मोमेंटम का। मोमेंटम में कहता है जी के जरा ध्यान दीजिए, मोमेंटम देखिए, मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो ये तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। जरा मोमेंटम का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा था, ये तो देखिएगा। तो ये अगेन आपके आईजीसीएसई के सिर्फ टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे एक दो। अब जरा बच्चों देखिए, मोमेंटम मैंने आपको कल पिछली क्लास में ये बताया था कि देखिए मोमेंटम क्या चीज है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखिए मोमेंटम की एग्जांपल्स बहुत सी हैं, सुनना। मिसाल देखिए, अगर एक व्हेनेवर A mass is in motion. Whenever a mass is in motion, it has a momentum. ठीक है जी, उसका कोई ना कोई momentum होगा जी। Impulse भी बताता हूँ क्या। For example, देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि अगर एक गाड़ी, जाहिर है ये एक mass है, जो किसी velocity से move करे, तो मोमेंटम का मतलब समझना है ना, तो आप मुझे एक बात बताइए कि मास इनटू द
वेलोसिटी, जब ये गाड़ी अपना मास को मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी करेंगे तो इसका एक वो जो पूरा मोमेंटम आएगा. वुड यू एवर वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग कार? नो. क्यों नहीं? क्योंकि आपको मोमेंटम का मतलब पता है. लफ्ज नहीं पता था लेकिन बचपन से आइडिया है कि भाई आया तो कुचला जाऊंगा और बड़ा जोरदार मुझे उठा के उस गाड़ी में पीछे परे फेंकना, जख्मी कर देना, क्योंकि ये अपने साथ एक पूरा मोमेंटम, ये मास मोशन में आ रहा है तो एक मोमेंटम मिलता है. इसी तरह देखिए, अक्सर अम्मा अब्बा से बचपन में हमने कान पे खाई हुई है, तो ये हाथ का एक मास है ना. सी दिस हैंड हैज अ सर्टेन मास एंड व्हेन दे, तो मुझे एक बात बताइए, जब ये हाथ चलता है अम्मा अब्बा का और कान पे पड़ती है तो क्यों दर्द महसूस होता है? दर्द इसलिए महसूस होता है, ठीक है, कि ये मास ऑफ द हैंड को वेलोसिटी मिल रही है, तो मास इनटू वेलोसिटी उस हाथ का एक मोमेंटम बनता है जो कि हमारे मुंह पे ट्रांसफर होता है और पता चलता है कि जी मोमेंटम क्या है. अब फिट समझ आई ना मोमेंटम है जी, तो मोमेंटम का ये मतलब. जी जी तो इन मिसालों से समझ बड़ी जल्दी आ जाती है. So whenever a mass is multiplied with its velocity, it gives you a momentum. जी ये भी जी जी सबको यादें आ रही होंगी, बिल्कुल ऐसे ही. तो momentum का फिर basically दो factors हैं which affect momentum. एक बात बताओ, अब तो चलो हमें चूंकि पता है ये सारा direct inverse proportion, मुझे बताइए जितना ज्यादा mass होगा उतना momentum क्या होगा? उतना ज्यादा मोमेंटम होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है. और इसी तरह से जितना वेलोसिटी ज्यादा करते जाओगे उतना उसका मोमेंटम बढ़ता जाएगा. तो व्हेन बोथ दीज क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनता है? मोमेंटम का फॉर्मूला बनता है मास इनटू द वेलोसिटी. तो सी, वेयर एवर यू सी अ मास मूविंग, हमने पढ़ा था कि जी इट विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी आल्सो, वो एक अलग कहानी है. अब उसे अपडेट करो कि एक मूविंग मास में एक मोमेंटम नामी चीज भी होगी जो कि जाके ट्रांसफर करेगी इन द फॉर्म ऑफ अ फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जब लगेगी. तो देखो ये मोमेंटम जब हिट होगा इस ऑब्जेक्ट को तो इन द फॉर्म ऑफ अ फोर्स झटका मार के उसे परे फेंकेगा. तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. यहां से इसके SI यूनिट्स हमने क्या बनाए थे? दे वर केजी डॉट मीटर्स पर सेकंड. देखिए मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर्स पर सेकंड. तो केजी मीटर पर सेकंड आर द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, सॉरी मोमेंटम का फॉर्मूला यूनिट्स. इसके जो बेसिक न्यूमेरिकल्स थे, सी आई टोल्ड यू, इसके जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है उस पर बात अगर हम करें तो वो तो मैंने आपको एक सिंपल सी एमसीक्यू थ्योरी का क्वेश्चन जो आपको आता रहता है तो वो तो हम अभी हम देख लेंगे. जैसे देखिए फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है कि कैलकुलेट द मोमेंटम, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ it has a mass of 5 kilograms moving with 72 kilometers per hour. तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको मोमेंटम फाइंड करना है, ठीक है. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको 5 किलोग्राम्स दिया हुआ है, अच्छा केजी आर दी एस आई यूनिट्स, एंड इज मूविंग विद कहता है 72 किलोमीटर पर आर. सर बताइए क्या किलोमीटर पर आर SI यूनिट्स हैं? देखो यार अक्सर लोग भूल जाते हो, ये चीज याद रखें कि किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना मस्ट है. तो वो कैसे करते हैं? 72 इंटू 1000 अपॉन 3600. तो दो जीरो से कट हो गए, 36 टू टाइम्स और 210 टाइम्स 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा. तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा फिर? सी मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास इनटू द वेलोसिटी
तो मास कितना आ जाएगा आपके पास, 5 केजी इनटू वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 20. तो 5 इनटू 20 वुड बी कितना आ जाएगा, 100 केजी मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, तो दिस विल बी द मोमेंटम. यानी ये 100 केजी मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम लेके ये गाड़ी हिट करेगी किसी चीज को. अच्छा, इसी तरह से अगर अब आपको ऐसे दे दिया जाए, एक नेक्स्ट एफएक्यू में कहता है कि अ कार ऑफ मास 20 किलोग्राम्स हैज अ मोमेंटम ऑफ 50 केजी मीटर्स पर सेकेंड. तो वो कहता है कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी. ये तो सब्जेक्ट मेकिंग वाला काम है. भेजिए तो आम मोमेंटम का फॉर्मूला याद रख लें, फिर एक छोटा सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और एक इंपल्स का फॉर्मूला है. दो चीजें मैं आपको कल 10-15 मिनट में करा दूंगा, क्वेश्चंस पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो कहता है कि अ कार ऑफ मास 20 केजी हैज अ मोमेंटम ऑफ 50 केजी मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी. तो मुझे एक बात बताइए कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू द वेलोसिटी. देखिए उसने मोमेंटम उसका दिया हुआ है, तो आप लोग डाटा इस तरह लिख लेंगे कि मोमेंटम की जगह 50 केजी मीटर्स पर सेकंड आ गया, मास 20 केजी है, तो वेलोसिटी वी को सब्जेक्ट बना सकते हैं. तो दिस विल बी हाउ मच, 50/20 व्हिच इज 2.5 मीटर्स पर सेकंड. क्या ख्याल है? अच्छा, आप जरा मुझे एक बात बताइए, इधर देखना. अब मैं आपको ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कराना चाह रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम को. जरा एक बात छोटी सी समझिएगा कि चेंज इन मोमेंटम क्या है. देखो, चेंज इन मोमेंटम जी, चले चले मैं यहां से एक थोड़ा सा इसमें 15-20 मिनट का काम रह गया. एक बस चेंज इन मोमेंटम, इसी को इंपल्स कहते हैं. ये हम कल करेंगे और उसका एक फॉर्मूला बन